Okay. So learner, my PPT is visible to all. Yes, sir. Srinivas sir, देखी पार जन्दी मो PPT? हाँ, yes sir. It is pretty visible. आपको आपको full screen करना है दिखी? Sir, full screen करी ची. हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक अच्छा, ठीक अच्छा. Okay, okay, okay. Sir. Yes, sir. हाँ. First of all, I request all the learners to mute their microphones to avoid unusual disturbance during the session. And I also request our technical support to please take care of it. And today our topic is working capital management. Okay, so it is a very important topic. Okay, so most of the learners have also requested to explain it in Hindi. So Hindi, so in today's class I will mix Hindi and English during the deliberation of lecture. Okay, so working capital management is a very important chapter, and it is the management of working capital. Okay, so main Hindi mein bhi yahan pe bolna chahunga ki exam point of view se bhi working capital management bahut important hai, kyunki exam mein aapko ye isse related ek question aayega hi aayega. So there matlab bahut chances hai ki ye chapter se aapko question aa jaye. Okay, so there are various methods of determining the requirement of working capital. So dheere dheere hum jaise ki ek ek slide se hum log study karna start karenge. Okay, so first of all main bolunga ki most of the companies concentrate their managerial efforts in controlling the profit. मतलब एक organization को हमको क्या चाहिए एक organization चलाने के लिए, mostly profit चाहिए. तो सब लोग हम लोग profit के towards ही incline होते हैं कि हमको profit चाहिए, हमको फायदा चाहिए. Okay, तो क्या करते हैं, जैसे कि हमको profit चाहिए, हम लोग concentrate करते हैं to increase our sales revenue. ओके, सो सेल्स रेवेन्यू मतलब हमको, हमारा अगर सेल्स बढ़ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. तो हम लोग क्या करते हैं, दो चीजों पर फोकस करते हैं, एक टू इंक्रीज सेल एंड टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट. ओके, और साइड बाय साइड कंट्रोल आवर ओवरहेड आल्सो, ओवरहेड्स आल्सो. सो ओवरहेड मतलब जितने भी हम लोगों का, हम लोगों के पास एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट ओवरहेड, इनडायरेक्ट ओवरहेड और ऑल दोस एक्सपेंसेस, तो हम लोग उसको ओवरहेड बोलते हैं. तो हमारा क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट, जो एक प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोडक्ट, उसके लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हम लोगों के पास, जो कॉस्ट फैक्टर लगता है वो, और हमारा ओवरहेड, ये दोनों चीज को हम कमा देते हैं और इंक्रीज करना चाहते हैं. हम कोशिश करते हैं कि वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द सेल्स रेवेन्यू. द रेवेन्यू हमको, जो हमको जनरेट होता है थ्रू सेल, तो उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हम इसके दौरान, एक हमारा लाइफ ब्लड है जो कि वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल कैन बी कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी कंपनी. तो इसको हम बोल देंगे व्हाट, हाँ, इसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल को लाइफ ब्लड हम लोग बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वर्किंग कैपिटल plays a very important role for the survival of the business as well as for the business failure. अगर business को survive करना है तो working capital को हमको बहुत ज़्यादा concentrate करके उसको देखना पड़ेगा कि वो properly हम लोग maintain कर पा रहे हैं या नहीं. और फेल्योर में भी ये होता है कि जब प्रॉपरली हम उसको मेंटेन नहीं करते तो वो लीड कर जाता है कि हम बिजनेस में फेल कर जाएंगे फ्यूचर में. ओके, तो अभी क्या है कि बिजनेस सर्वाइवल और बिजनेस फेल्योर में, बिजनेस सर्वाइवल और बिजनेस फेल्योर में वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल, अभी आप बोलोगे वर्किंग कैपिटल क्या है. ओके, सो वर्किंग कैपिटल हम लोग बोलेंगे, कंपनी में आप एक ये देखो बैलेंस शीट. ओके, कंपनी का आप बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू साइड्स इन ए कंपनी बैलेंस शीट, वन इज लाइबिलिटी साइड एंड अनदर इज एसेट साइड. तो एसेट साइड में हमारा क्या क्या रहता है, काफी कुछ आइटम्स रहता है, जैसे कि हमारा एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज क्या क्या रह सकता है वहां पे. वहां पे रहेगा हमारा बिल्स रिसीवेबल, वहां पे रहेगा हमारा डेटर्स, वहां पे रहेगा हमारा ऑल अदर ट्रेड रिसीवेबल्स, और रहेगा हमारा अदर फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स,
और कैश रहेगा, कैश इन हैंड रहेगा, कैश एट बैंक रहेगा, ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस रहेगा. सो दीज आर कॉल्ड एज ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. और लाइबिलिटी साइड में भी हमारा रहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, तो ये सब चीज रहता है, और इंक्लूडिंग अवर कैपिटल. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल हमको चाहिए क्या, फिक्स्ड कैपिटल एक होता है और वर्किंग कैपिटल एक होता है. तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है, जो कैपिटल हमारा एस्टेब्लिशमेंट के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट हम लोग खरीद लिए, तो उसके लिए हमको क्या उसके लिए हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट सॉरी लॉन्ग टर्म एसेट में क्या होता है कि हम उसको इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में. जैसे कि हम लोग प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिए, प्लांट एंड मशीनरी हम लोग अगर खरीद रहे हैं, तो अगर आपको बोला जाए कि हाँ ठीक है, उसको आप कल ही उसको प्लांट और मशीनरी को कल ही बेच दो सेल कर दो, आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. अगर आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, मैं आपको बोलूंगा कि आप कल उसको बेच दो, तो दो दिन के अंदर उसको बेचकर मुझे पैसा ला के दो, यू कैनॉट डू, बिकॉज ये है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स. वो विद इन फ्यू डेज और विद इन डे और टू वो उसको हम बेच नहीं सकते. लेकिन करंट एसेट्स जो होता है हमारा वो एसेट्स जो कि नियर फ्यूचर में वी कैन इजिली कन्वर्टेड द एसेट इंटू कैश. जैसे कि हमारा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर क्या है, जो लोग हमको पैसा देने वाले हैं. ओके, तो वो चीज, वो सन्ड्री डेटर हमको इजिली कुछ दिन के बाद पैसा दे देंगे, तो हमारे पास कैश आ जाएगा. ओके, जो कि हमारा कैश अवेलेबल है बैंक में, वो चीज हम बैंक से विड्रॉ कर देंगे, वो हमारे पास कैश आ गया. क्लियर? ओके, तो वो चीज हमारे पास बैलेंस है, कुछ विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू मंथ्स हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे. तो हमारा साइड बाय साइड क्या है, करंट लाइबिलिटीज भी होता है, जो चीज हमको नियर फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि क्रेडिटर्स हुआ, बिल्स पेबल हुआ, अदर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हुआ, तो ये सबको हमको पेमेंट करना पड़ता है. तो अगर ये सब हमको पेमेंट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, नेचुरली करंट एसेट से करेंगे. तो करंट एसेट से करंट लाइबिलिटी को हमको पेमेंट करना पड़ता है, और ये है हमारा डे टू डे एक्टिविटी. जैसे श्रीमय सर ने स्टार्टिंग में बोला कि वर्किंग कैपिटल में की वर्ड होता है हमारा डे टू डे अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस. रोजमर्रा की जिंदगी में हम बिजनेस में जो चीज खर्च करते हैं, जो हमारा खर्चा होता है, उसके लिए हम फंड कहाँ से लाएंगे. नो डाउट प्लांट एंड मशीनरी बेचकर तो नहीं ला सकते, लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर तो नहीं ला सकते. नो डाउट हमको करंट एसेट्स में से उन सबको पेमेंट करना पड़ेगा. तो हमको अभी ये चीज आप आ जाओ कि हमारे पास सफिशियंट करंट एसेट्स है क्या. फर्स्ट वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, तो हमको पहले उसको देखना पड़ेगा, हमको स्क्रूटनी करना पड़ेगा whether we have sufficient amount of current assets or not. अगर current assets हमारा sufficient amount रहेगा तो ही हम immediately liability pay करेंगे. जैसे कि creator वाले बोल देंगे हाँ ठीक है, आप हमसे सामान खरीदे हो, ठीक है, और इतने दिन के अंदर हमारा पेमेंट दे दो. ओके, तो हम कहाँ से लाएंगे, हमको फिर कैश अवेलेबिलिटी और इक्विवेलेंट टू कैश, जो भी चीज है, एनीथिंग विच इज इक्विवेलेंट टू कैश, दैट मस्ट बी रेडिली अवेलेबल इन अवर कंपनी, रेडिली अवेलेबल इन अवर बिजनेस कंसर्न. हमारे पास सफिशियंट वो चीज होना चाहिए जो कि हम करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सके. तो ये है हमारा बेसिक थिंग्स अबाउट वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल क्या है और उसको कैसे काम करता है. ओके, तो हम लोग एक एक करके स्लाइड करते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल इंट्रोडक्शन. सो यहाँ पे जैसे कि स्लाइड में ही लिख दिया हूँ मैंने, यहाँ पे है कि वर्किंग कैपिटल डिनोट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड फॉर मीटिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न. ओके, सो जब बिजनेस एक स्टार्ट होता है तो क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट में हमको कैपिटल चाहिए. कैपिटल्स हम लोग आइदर खुद इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो आउटसाइड पार्टी से पैसा लाते हैं. तो दोनों को मिलकर एक जॉइंट एक एक्यूमुलेशन ऑफ फंड हो जाता है, वो फंड को हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं एसेट्स के ऊपर. ओके, एसेट्स के ऊपर, तो जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर हुआ, वो चीज हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है, अगर बिजनेस उसके बाद स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट करने के बाद अभी आ जाता है वर्किंग कैपिटल का बात. तो वर्किंग कैपिटल में जब स्टार्ट हो जाएगा, सब हमको रोज का खर्चा और रोज का इनकम को हमको देखना पड़ेगा. तो रोज का खर्चा क्या है, रोज का खर्चा क्या क्या होता है, हमको जैसे कि रेंट दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम दिए, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हुआ, प्रमोशनल एक्सपेंसेस हुआ, और स्टेशनरी हुआ, ऑफिस स्टेशनरी हुआ, तो ये सब रोज का खर्चा है. तो इसके लिए हमारे पास फंड है या नहीं, तो ये है बेसिक चीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके,
तो ये है ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को हम कैसे बोलेंगे कि हाँ दिस अमाउंट इज अवर वर्किंग कैपिटल। सो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? वो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, मतलब वैसे ही पता चल गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमारे पास जितने करंट एसेट्स है और हमारे पास जितने करंट लाइबिलिटी है। क्लियर? और एक बार बोल रहा हूँ, करंट एसेट्स इजीली कैश में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, और करंट लाइबिलिटी क्या है, जिसको हमको इजी मतलब कुछ दिनों के अंदर पैसा देना है। क्लियर? तो हमारे पास इजीली कैश अवेलेबिलिटी होगा तभी हम लोग किसी को पैसा दे पाएंगे। क्लियर? तो वर्किंग कैपिटल क्या है, जितना हमारा एसेट है उससे अगर हम माइनस कर देंगे कौन सा चीज, करंट लाइबिलिटी को। क्लियर? करंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, जो पैसा हमारा बच गया दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन आवर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? वो पैसा जितना हमारे पास ज्यादा रहेगा हम लोग उतने ही कैपेबल हो जाएंगे बिजनेस को रन करने के लिए। क्लियर? बिजनेस ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जितना भी डे टू डे अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस, वी कैन इजीली कंडक्ट ऑल दोस थिंग्स। क्लियर? और हमारे पास उस टाइम सफिशियंट वर्किंग कैपिटल रहना चाहिए। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड यहाँ पे आप देखो, नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट इज द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, हमको वर्किंग कैपिटल क्यों चाहिए? ओके, पहले से ही मैंने ऑलरेडी समझा दिया है आप लोगों को, हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए तीन चीजों के लिए। फर्स्ट है फंक्शनिंग, सेकेंड है ट्रेडिंग, एंड थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो फंक्शनिंग मतलब क्या है, एक बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, एक बिजनेस को रोज अच्छी तरह से चलाने के लिए। क्लियर? जो कि लॉन्ग टर्म चीज होता है वो हमको तो लॉन्ग टर्मली पे करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होता है वो उसका पैसा तो हमको उसको बेचने के बाद ही मिलेगा। सो इट रिक्वायर्स टाइम, लेकिन रोज की जिंदगी में हमको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड प्रॉपर वर्किंग कैपिटल, और वी नीड सफिशियंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब हम लोग जो सर बोलते ये हैं हमारा, क्लास, सर ये हेलो, क्लास रिकॉर्डेड है? ये सर दिस इज रिकॉर्डेड। ओके सर। ओके, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, और इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज विल बी आंसर्ड। क्लियर? ओके, आप आ जाओ। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए भी हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए। ट्रेडिंग मतलब क्या है, इन सिंपल टर्म खरीदना और बेचना, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म बेस्ड ट्रेडिंग। क्लियर? थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल्स। वी नीड रॉ मटेरियल्स, एंड अगेन वी पुट द रॉ मटेरियल्स इन द वर्क इन प्रोग्रेस मोड, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वी गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि कच्चा माल से हमको उसको फैक्ट्री में डालना पड़ेगा, और फैक्ट्री से हमको फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि पूरा चीज हमको मिल जाएगा। क्लियर? जैसे कि एक पेन, क्लियर, एक जो राइटिंग पेन होता है एग्जाम्पल, उसको हम कैसे, वो है हमारा फिनिश प्रोडक्ट। और कच्चा माल क्या है, जैसे कि इंक हुआ और उसका लीड हुआ, जैसे प्लास्टिक हुआ, तो दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ ए पेन। क्लियर? द रॉ मटेरियल्स आर पुट इन टू द वर्क इन प्रोग्रेस इन ऑर्डर टू गेट आवर फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या है, पेन के चाहिए। तो पेन का प्रोडक्शन को कंटिन्यू के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, क्लियर, जैसे कि पेन हमारा सेल हो रहा है। ओके, तो पेन को हम लोग जैसे ही कंटिन्यू करेंगे प्रोडक्शन, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, इंक हुआ, नीब हुआ, तो ये सब चीज सफिशियंट अमाउंट में चाहिए। अगर प्रोडक्शन हैम्पर हो जाएगा, इट विल व्हाट, इट विल हैम्पर टू द सेल्स ऑल्सो। अगर सेल्स हैम्पर हुआ तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इट विल रिड्यूस अवर प्रॉफिटेबिलिटी। क्लियर? तो हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए तीन चीजों के लिए, फर्स्ट स्मूथ फंक्शनिंग, देन ट्रेडिंग, और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीन चीज के लिए हमको वर्किंग कैपिटल चाहिए ही चाहिए। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट आप आ जाओ, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वन इज बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सर्किल और सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट। हो गया? अभी आप आ जाओ बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। क्लियर? बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में जैसे कि बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे वहां पे, आई विल शो यू। तो बैलेंस शीट का एक स्ट्रक्चर जो रहता है वहां पे हम लोग दो साइड रहता है, जैसे कि वन इज आवर एसेट साइड एंड अदर इज आवर लाइबिलिटी साइड।
तो बैलेंस शीट में जो कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, उसको कैसे बोलते हैं, फर्स्ट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल, हो गया। एक चीज आप नोट डाउन कर दो यहाँ पे, हमको वर्किंग कैपिटल मतलब हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल ही एज्यूम करेंगे, क्लियर। किसी भी जगह पे अगर खाली वर्किंग कैपिटल लिखा होगा तो यू विल एज्यूम नेट वर्किंग कैपिटल, क्लियर। अभी हम लोग समझे हैं कि व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यहाँ पे जितने भी कंपनी के करंट एसेट्स हैं, हो गया, आप फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्लियर। यू विल नॉट टेक फिक्स्ड एसेट्स इनटू कंसिडरेशन, हो गया। वर्किंग कैपिटल के पिक्चर में फिक्स्ड एसेट्स का नाम ही नहीं आएगा, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट को आपको टोटल इग्नोर करना पड़ेगा, क्लियर। तो वर्किंग कैपिटल में आप जितने भी कोर्स में सिलेबस में पढ़ोगे, फिक्स्ड एसेट्स का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा, क्लियर। इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट करंट एसेट्स, क्लियर। करंट एसेट्स मींस, और एक बार बोल रहा हूँ, एनी एसेट्स व्हिच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, उसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। अभी आप आ जाओ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में एक कंपनी का बैलेंस शीट में जितने भी करंट एसेट्स हैं सबको मिला दो, क्लियर, सबको ऐड कर दो, जो भी अमाउंट निकलेगा वो हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल, सॉरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्लियर, और सम टोटल ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्लियर। अभी आप आ जाओ नेट वर्किंग कैपिटल में। नेट वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जो कि आप मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड द करंट लाइबिलिटी, क्लियर। मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, सिर्फ करंट एसेट्स को क्या बोलोगे, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और उससे अगर मैं करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दूं तो वो हो जाएगा हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। और एक बार बोल रहा हूँ, जहां पे भी आपको खाली वर्किंग कैपिटल देखने को मिलेगा, यू विल एज्यूम दैट इट इज नेट वर्किंग कैपिटल ओनली, क्लियर। अभी बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में अभी आप आ जाओ, सपोज स्लाइड दिख रहा है, अभी देखो एक बैलेंस शीट का एक बैलेंस शीट है, हो गया। जैसे कि बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, अभी आप देखो बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, जैसे कि एसेट्स है और लाइबिलिटीज है, क्लियर। एसेट साइड में आप ध्यान से देखो क्या क्या है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फिनिश्ड गुड्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ओके। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आप बोलोगे ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये एसेट साइड में क्यों जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही पता चल, मतलब आपको मालूम होना चाहिए प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब ये एसेट, मतलब जो एक्सपेंसेस के लिए हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन उसके लिए हम लोगों को बेनिफिट अभी तक नहीं मिला। जैसे कि सैलरी पेड इन एडवांस, मतलब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दिए हो पहले से, हो गया, वो सैलरी मतलब एडवांस पेमेंट कर दिए हो, उससे आपको काम नहीं मिला अभी तक, वो आपके लिए काम नहीं किया है अभी तक, लेकिन आप उसको एडवांस दे दिए हो, तो इसका मतलब क्या है, उससे आपको काम निकलवाना है, क्लियर। यू विल एक्सट्रैक्ट वर्क फ्रॉम हिम इन द फ्यूचर, क्लियर। सो ही विल गिव बेनिफिट टू योर कंपनी। और एसेट्स का डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच विल गिव बेनिफिट टू द कंपनी इज नोन एज एसेट। सो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस इसीलिए एसेट में डाला गया है, क्लियर। ये हमारा अकाउंटिंग में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बेसिक अकाउंट जो लोग भी पढ़े हैं इसको पढ़े होंगे, ओके। और क्या क्या है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश बैलेंस है और बैंक बैलेंस है, उसी हिसाब से आप लाइबिलिटी में देख दो। लाइबिलिटी में क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जैसे कि हमारा इक्विटी शेयर्स, हो गया, और 8% डिवेंचर्स, और क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, हम फ्यूचर में टैक्स पेमेंट के लिए हमको तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, क्लियर। तो हमको पता नहीं कि ये साल एंड तक हमारा कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगा, हमको पता नहीं, आप लोगों को पता होगा क्या, फ्यूचर में हम लोग नहीं देख सकते, तो व्हाट विल बी आवर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, nobody knows, हो गया। तो इसलिए एक टेंटेटिव अमाउंट हम रख देते हैं, एक टेंटेटिव अमाउंट इज केप्ट असाइड, क्लियर, एज रिजर्व और एज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पर्पज, फ्यूचर में हमको ये अमाउंट से निकालकर हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो एक टेंटेटिव अमाउंट हम लोग रख देते हैं। तो ये 20,000 है, इसका मतलब है नहीं कि हमको 20,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स हमारा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इट इज अ टेंटेटिव अमाउंट। सो प्रपोज डिविडेंड मतलब शेयर होल्डर्स को हमको फ्यूचर में डिविडेंड देना पड़ेगा, क्लियर। तो ये हम प्रपोज कर चुके हैं, क्लियर, तो इसके लिए हमको एक रिजर्व रखना पड़ेगा, प्रपोज डिविडेंड, तो उसको हमको दिस इज ए लाइबिलिटी, वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि इसको इसके लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनी से पैसा जाएगा फ्यूचर में, सो इट इज ए लाइबिलिटी। सो ये है हमारा एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर, हो गया।
अभी आप आ जाओ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नेट और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालोगे। बैलेंस शीट में सारा एसेट्स को देख लो, फिक्स एसेट्स क्या क्या है, गुडविल जो कि हमारा कैश नहीं है, वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि कैश नहीं है, ये एक टेंटेटिव अमाउंट है, क्लियर। एक रेपुटेशन ऑफ ए फर्म को और रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को एक क्वांटिटेटिव वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, दिस इज द गुडविल ऑफ ए फर्म और गुडविल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग देखो और प्लांट एंड मशीनरी देखो, तो ये दोनों क्या है, फिक्स एसेट्स है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, और बाकी जितने रहेंगे वो क्या है, करंट एसेट्स है, तो सबको मिला दो, कितना हो गया करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स को मिला दो 380,000 होगा। तो क्वेश्चन में अगर आएगा एक बैलेंस शीट देकर, वहां पे बोलेगा कि फाइंड द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो आप जितने भी करंट एसेट्स है सबको ऐड कर दो, आपका निकल जाएगा 380,000 रुपया, दिस इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अभी आप आ जाओ नेट वर्किंग कैपिटल, तो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितना है, हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है हमारा 380,000 रुपया, उसके उससे हमको करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है, मतलब करंट एसेट्स 380,000 हमारे पास है जो कि करंट लाइबिलिटी को हम लोग पे करना पड़ेगा। तो करंट लाइबिलिटी क्या क्या है वहाँ पे, यहाँ पे आप देखो प्रपोज डिविडेंड नियर फ्यूचर में हमको देना पड़ेगा, भाई इसके लिए पैसा रख दो। अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये भी करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी करंट लाइबिलिटी है, क्लियर। तो ये सब करंट लाइबिलिटी को हमको पे करना पड़ेगा, तो इसको आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3,00,000 रुपए। तो अगेन व्हाट विल बी योर नेटवर्किंग कैपिटल, नेटवर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द सम टोटल ऑफ एसेट्स एंड द सम टोटल ऑफ लाइबिलिटी। तो सम टोटल ऑफ एसेट्स कितना हो गया हमारा 380,000, और सम टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी कितना हो गया 3,00,000। ओके, यहाँ पे नेटवर्किंग कैपिटल आप निकाल सकते हो, इट इज 80,000 हो गया, क्लियर। अभी आप आ जाओ नेक्स्ट में, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट हो गया। और एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में, क्या है कि बहुत इजी है, आप इजीली निकाल सकते हो कितना करंट एसेट्स से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, सिंपल, यू विल गेट योर आंसर, बहुत ही आसान है। अभी आप आ जाओ ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा टफ है, लेकिन टफ बिल्कुल है नहीं, ये डायग्राम आप अगर देख लोगे तो इट इज वेरी इजी। अब आप देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल में आप देखो पूरा टॉप में कैश लिखा हुआ है, दिख रहा है सबको, हो गया कैश लिखा हुआ है। उसके बाद देखो राइट एरो में रॉ मटेरियल और इन्वेंटरी लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने एक पेन का एग्जांपल लिया, इफ अगर एक पेन हमारा फिनिश प्रोडक्ट है तो हमको पेन का बिजनेस करना है तो हमको क्या चाहिए, पहले कैश चाहिए। कैश हमको कहाँ से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से मिलेगा, आइदर खुद इन्वेस्ट करेंगे नहीं तो आउटसाइड पार्टी से इन्वेस्ट करवाएंगे। तो कैश आ गया बिजनेस में, देखो वहां पे टॉप में कैश लिखा है। उसके बाद आप देखो परचेज करोगे, क्या परचेज करोगे, रॉ मटेरियल ऑब्वियसली परचेज करोगे, जैसे कि हमको प्लास्टिक खरीदना है, इंक खरीदना है, नीब खरीदना है, तो हमको पेन बनाना है, अभी आप रॉ मटेरियल सब खरीद लिए, क्लियर। तो कैश हमारे पास है और हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो रॉ मटेरियल हमारे पास इमिडिएटली, अभी बोलेंगे क्या हमको इतना जैसे कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो एक दो पेन तो नहीं बनाएंगे ना, हम लोग बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, तो हमको इमिडिएटली रॉ मटेरियल मिलने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश हमारे पास जैसे कि है तो रॉ मटेरियल हमको इमिडिएट नहीं मिलेगा, तो इट विल टेक सम टाइम, तो ये कुछ टाइम ले लेगा रॉ मटेरियल हमको हमारे हम जब रिसीव करेंगे, तो ये टाइम को देखो कैश से हम लोग रॉ मटेरियल खरीदे तो रॉ मटेरियल आने तक जितना टाइम लगेगा, जितना डेज, तो उसको बोलते हैं हम लोग रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, मतलब कैश जब रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होगा कितना दिन के अंदर कन्वर्ट होगा, मतलब कितना दिन के अंदर कैश को हम लोग रॉ मटेरियल खरीद लेंगे, मतलब इसलिए कैश कन्वर्ट हो गया रॉ मटेरियल में, क्लियर। तो कितना दिन के अंदर हमको रॉ मटेरियल मिलेगा, तो दिस इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। अगेन रॉ मटेरियल हमारे पास आ गया, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे, मतलब प्रोडक्शन में डाल देंगे, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री को भेज देंगे, हो गया। फैक्ट्री में वो बनेगा क्या, पेन में कन्वर्ट होगा, तो वो उसके क्या, उसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल से देखो कैश है, रॉ मटेरियल आ गया, डायग्राम देखो, रॉ मटेरियल से अभी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, क्लियर। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड मतलब अभी रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आ गया, अभी हमारा पेन बन गया है, ओके। अभी फिनिश्ड गुड्स से बेचेंगे हम लोग, फिनिश गुड पेन हमारा बन गया, पेन क्या, हम लोग तो खुद नहीं रखेंगे इतना पेन, हमको मार्केट में उसको बेचना पड़ेगा, ओके। सो मार्केट में बेच देंगे, मार्केट में जो बेचेंगे तो पूरा फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद
जब तक मार्केट में सारा बिक नहीं जाता उसके लिए भी टाइम चाहिए, वो टाइम को बोलते हैं हम लोग क्या, फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड और एफ जी सी पी, ओके, फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड। अभी हम जितना भी सामान भेजे, जितना भी सामान हम लोग बेच दिए, वो क्या करेंगे हम लोग, अगर बेच दिए मतलब सारा हम लोग कैश में नहीं बेच सकते, कुछ को क्रेडिट में भी बेचना पड़ेगा, मतलब उधारी में बेचना, क्लियर। तो वो उस चीज वहां पे क्या होगा, जितने भी जितना भी हमको कैश मिल गया तो मिल गया, जितना कैश नहीं मिला मतलब हमारा, देखो कैश में रॉ मटेरियल खर्चा हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस में खर्चा हो गया, अदर ओवरहेड्स खर्चा हो गया, अभी तक क्या है कुछ हम उधारी में भी बेच दिए हो गया और उसका पैसा हमको नहीं मिला अभी तक, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश अकाउंट रिसीवेबल जो है वो एक पीरियड रहता है, क्लियर। तो वहां पे जो कलेक्शन होगा वो उसको कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। तो कलेक्शन पीरियड में कब होगा, अकाउंट रिसीवेबल से देखो फिर कैश आ गया, तो डेटर सामान बेचने के बाद फिर हमको कैश मिल जाएगा, क्लियर। तो ये एक पूरा सर्किल है, जैसे कि कैश हमारे पास आया, रॉ मटेरियल खरीदे, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुआ, फिनिश गुड्स को फिर हम मार्केट में बेचे, मार्केट से फिर पैसा लाए और फिर पैसा हमारे पास आने के बाद अगेन रॉ मटेरियल खरीदे, क्लियर। ये सर्किल चलता ही रहेगा, इसीलिए द कीवर्ड ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज डे टू डे अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस, क्योंकि ये प्रोडक्शन चलता ही रहेगा यहाँ पे, क्लियर। प्रोडक्शन चलता ही रहेगा मतलब यू अब प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे कैश टू कैश, हमारे पास कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ, अगेन वो पूरा सर्किल में घूम कर आएगा, फिर वो कैश हमारे पास वापस आएगा, फिर उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो कैश टू कैश वहाँ पे जितना टाइम लगता है, क्लियर, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल पीरियड, हो गया। तो वो पीरियड में हमको, वो पीरियड में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसा फंस जाता है हमारा, क्लियर, क्योंकि वो प्रोसेस में हमको पैसा नहीं मिलता, जब वर्क इन प्रोग्रेस चलता रहेगा, हमारा तो खर्चा हो रहा है भाई, हमारा फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रहा है, हमारा लेबर काम कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन चलता है, हमारा मशीन्स चलता है, तो उसके लिए खर्चा होता है, लेकिन कैश हम अभी तक देखे नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा सामान बिका नहीं, क्लियर। तो अभी क्या होगा, तो ये कैश टू कैश में जितना टाइम लगेगा वो टाइम बहुत क्रूशियल है, तो वो टाइम के अंदर जितना भी खर्चा होगा उसके लिए वेदर वी आर कैपेबल और नॉट, हम इतना सक्षम है या नहीं कि वो चीज़ को हम मतलब क्या, वो सारा खर्चा हम लोग उठा सकेंगे, क्लियर। तो इसीलिए क्या है, वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट पेमेंट्स के लिए हमारे पास पैसा है या नहीं, सिंपल वे में हम ये बोलेंगे इमीडिएट पेमेंट, हमको जल्द से जल्द ये लोग हमको पैसा मांगने वाले हैं, भाई इन लोगों का पैसा पहले रख दो, दैट इज अवर वर्किंग कैपिटल, क्लियर। अभी देखो नेक्स्ट में, क्रॉस ऑपरेटिंग सर्किल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल, ये बहुत आसान है, जैसे कि ये डायग्राम में हमारा वो कन्वर्सन पीरियड्स है, हो गया, सारे कन्वर्सन पीरियड्स को मिला लो, वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, हो गया। जैसे कि कैश से रॉ मटेरियल कितना दिन लगेगा, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स कितना दिन लगेगा, फिनिश्ड गुड्स से अगेन बेचने के लिए कितना दिन लगेगा, और बेचने के बाद पैसा कलेक्शन के लिए कितना दिन लगेगा, ये सारा कन्वर्सन पीरियड को यहाँ पे मिला दिया गया है। जस्ट अभी देखो, रॉ मटेरियल कन्वर्सन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्सन पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड्स कन्वर्सन पीरियड प्लस रिसीवेबल कन्वर्सन पीरियड, रिसीवेबल मतलब जब हम डेटर से पैसा लाएंगे, हो गया, कितने दिन में वो डेटर्स हमको पैसा दे देगा, दैट इज द कन्वर्जन पीरियड ऑफ अवर रिसीवेबल। तो सारा को अगर मिला दोगे तो कितना रहेगा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हमारा निकल जाएगा, कितना दिन, हाउ मेनी डेज, क्लियर, कितना दिन का हम ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल अभी यूज कर रहे हैं, क्लियर, बहुत आसान है। अभी आप आ जाओ नेट ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेबल डिफरल पीरियड। अभी आप बोलोगे सर ये पेबल डिफरल पीरियड क्या है, ओके, ठीक है, तो ये जो जितना भी पीरियड, जितना भी अभी टाइम लग गएगा कैश टू कैश में, हो गया, उसके बावजूद भी हमारा कुछ करंट लाइबिलिटीज है, क्लियर। करंट लाइबिलिटी मतलब हमारा क्रेडिटर्स लोग जो हमको उधार दिए हैं पैसा, उनको फिर तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो हमको जितने भी क्रेडिटर्स हैं हमको सबको चुकाने के लिए कितना दिन लगेगा, दैट इज अवर क्रेडिटर्स कन्वर्जन पीरियड, क्लियर। तो ये ग्रॉस कन्वर्जन पीरियड से हम लोग अगर नेट ऑपरेटिंग सर्किल जो भी वो पीरियड का टाइम है उसको हम लोग घटा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा, सॉरी, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल से हम पेबल डिफरल पीरियड मतलब क्रेडिटर्स को जितने भी अमाउंट पेबल है उसको अगर हम घटा देंगे तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल हमको मिल जाएगा। इट इज़ वेरी इजी, आसान है। अभी आप चल देखो,
अभी और एक इलस्ट्रेशन देखेंगे, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वर्किंग कैपिटल से, काफी बार आता है। ओके अभी अब इलस्ट्रेशन टू देखो, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है और अमाउंट इन थाउजेंड्स, क्लियर। ओके यहाँ पे देखो रॉ मटेरियल्स है 40,000, वर्क इन प्रोग्रेस है 30,000, फिनिश्ड गुड्स है 25,000। ओके परचेज और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हम आइदर खरीद रहे हैं नहीं तो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं, उसका खर्चा कितना है 1,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कितना अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो मार्केट प्राइस नहीं है, वो प्रोडक्शन करने के लिए जितना प्राइस हमको चाहिए वो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, क्लियर। अभी आप आ जाओ सेल, हो गया। यहाँ पे सेल में मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ऑल क्रेडिट, मतलब एक भी अमाउंट का सेल कैश में नहीं हुआ, मतलब जितना भी फिनिश्ड गुड्स हम लोग फैक्ट्री से बाहर निकाले, एवरीथिंग वी सोल्ड इट फॉर क्रेडिट, मतलब सब कुछ उधार में बेच दिए, सब लोग हमको पैसा देने वाले हैं, मतलब इतना सारा पैसा हमारा फंस के रहा है, मतलब फंस गया है। अभी डेटर को देखो 72,000, मतलब 72,000 हमारा मिलने वाला है। क्रेडिटर्स मतलब हम देने वाले हैं कितना 20,000, मतलब ये इन रुपीज इन थाउजेंड है। ओके तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ दिया है कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सर्किल। ओके अभी हमको ये एग्जांपल से, जैसे कि मैंने बोला कि कितना दिन में हम कैश टू कैश पहुंच सकते हैं, नेट ऑपरेटिंग सर्किल हमको पता करना है। यहाँ पे एक एजम्पशन है कि हम लोग, जैसे कि ईयर में हमारा वी हैव 365 डेज, बट इन दिस क्वेश्चन वी विल टेक 360 डेज ओनली, 360 दिन हम लोग लेंगे यहाँ पे। अभी आप आ जाओ नेक्स्ट में कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सर्किल। ओके ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ओके आप देखते, मतलब ये पीपीटी मैं सबको सेंड कर दूंगा अभी, तो यहाँ पे क्या होगा जो फॉर्मूलाज हैं उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे कि रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड RMCP, हो गया, ये क्या है उसका फॉर्मूला है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, बहुत आसान है। अभी आपके पास रॉ मटेरियल और कच्चा माल कितना है, जितना भी है उसके, उससे अगर आप डिवाइड कर दोगे कितना रॉ मटेरियल आप दिन में खर्चा करते हो, तो ये निकल जाएगा कन्वर्जन पीरियड निकल जाएगा, क्लियर, बहुत ईजी है। जितना रॉ मटेरियल है, सपोज आपके पास 100 यूनिट है, क्लियर, सपोज आपके पास 100 यूनिट है और एक दिन में आप खर्चा करते हो 10 यूनिट, तो कितना दिन लगेगा सब कुछ कंप्लीट होने में, खत्म होने में 10 दिन लगेगा, तो 10 डेज इज अवर कन्वर्जन पीरियड, इट इज, मतलब बहुत ईजी है। अभी आप देखो 40,000 डिवाइडेड बाय 160, जैसे कि ये बैलेंस शीट में है 40,000 डिवाइडेड बाय 160 दिया हुआ है। अभी आप इसको देखो 40,000 डिवाइडेड 160 इंटू 360, बिकॉज 360 डेज आर कंसिडर एज इन ए पर्टिकुलर ईयर, नॉट 365 डेज, सो अब हमारा मिल गया 90 डेज, 90 दिन हो गया हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, क्लियर। अभी आप सेकंड में देखो वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब रॉ मटेरियल से जितना भी सामान फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, क्लियर, वो प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, वो अभी काम चल रहा है, अभी वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो दिस इज कॉल्ड योर वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज। तो अभी वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड में आप क्या करोगे, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जितना स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा हुआ है उसके बाद उसको डिवाइड कर दोगे किसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड पर डे, क्लियर। जितना सामान एक दिन में प्रोड्यूस होता है और जितना सामान फैक्ट्री में पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल के बेस पर, उसके अगर डिवाइड कर दोगे तो हमको पता चल जाएगा कितना दिन में वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड में सब कुछ मतलब कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस में हमारा मटेरियल है, जितना भी उसके ऊपर काम चल रहा है, अगर एक दिन में कितना प्रोड्यूस होता है अगर उसको जान लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वट एवर अमाउंट ऑफ स्टॉक वी हैव इन वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज एंड दैट विल बी फिनिश इन ए सर्टन पीरियड, वो कितना दिन में खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है मतलब अगर खत्म हो गया तो फिर रॉ मटेरियल से हमको फिर सामान लाना पड़ेगा वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज पर। तो ये एक सर्किल वो चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता, क्लियर। अभी आप देखो फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड FGCP, तो ये भी क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, हो गया। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब जितना पूरा कंप्लीट सामान हमारे पास है जो कि मार्केट में बेचने के लिए रेडी है अभी, उसको हम डिवाइड करेंगे जितना यूनिट हमारा एक दिन में सेल हो रहा है, क्लियर, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना दिन में हमारा फिनिश्ड गुड्स खत्म होने वाला है। अगर फिनिश्ड गुड्स खत्म हो जाएगा तो अगेन वी विल गो फॉर द प्रीवियस स्टेप, मतलब रॉ मटेरियल, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, अगर
उसके बाद फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स खत्म होने से पहले वर्क इन प्रोग्रेस से कन्वर्ट होके फिनिश गुड्स पे आ जाना चाहिए माल, हो गया जितना भी हमारा मेटेरियल है फिनिश गुड्स। जैसे भी हम ये क्या होता है एक लीड कर जाता है टू टूवर्ड्स द सेल और टूवर्ड्स द रेवेन्यू और टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो, क्लियर। सपोज एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आप एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट आप यूज करते हो, क्लियर, एक पर्टिकुलर कंपनी का, सपोज मैगी, हो गया मैगी आप बहुत खाते हो, नूडल, हो गया, और आपका बहुत फेवरेट है वो मैगी का। आप क्या करोगे, एक दुकान में जाओगे एक दिन और बोलोगे भैया मुझे मैगी कुछ पैकेट्स चाहिए। वो दुकान वाला क्या बोलेगा, नहीं मैगी अभी स्टॉक में नहीं है, वो आने वाला है, कुछ दिन में आ जाएगा। इमीडिएटली वो एक नेगेटिव इंप्रेशन ड्रॉ करेगा, क्यों, क्योंकि आपका फेवरेट चीज आपको नहीं मिल रहा है। उसका रीजन क्या है, वो जो प्रोडक्शन सर्किल है वो प्रोडक्शन सर्किल में कहीं ना कहीं डिले हुआ है, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं ना कहीं डिले हुआ है, क्लियर। तो यहाँ जो है एक सर्किल है, आफ्टर फिनिश प्रोडक्ट अगेन वो उसको क्या कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए और एक लॉजिस्टिक लगता है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, जब आपको आपके पास वो चीज पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहता है। तो ये क्या है, आप इमीडिएटली क्या नेगेटिव इंप्रेशन ड्रॉ कर दिए, मैगी नहीं खरीदी आप, मतलब यू वेंट फॉर टॉप रेमन और यू वेंट फॉर अनदर पतंजलि नूडल्स। सो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना चॉइस शिफ्ट कर रहे हो, क्यों शिफ्ट कर रहे हो, आपको ठीक चीज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो सेम चीज एफ जो फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड है वो हमारा खत्म हो गया, जैसे कि 25,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, मतलब 30 डेज लग जाएगा हमको स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जितना भी है वो खत्म होने में। जैसे कि आरसीपी मतलब हमारे रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड, मतलब डेटर्स कितने लोग हैं और डेटर्स कितना हमारा अभी है, और क्रेडिट सेल पर डे मतलब कितना उधार में हम लोग चीज बेच रहे हैं, क्लियर। तो वो हो जाएगा हमारा आरसीपी। तो इसी के हिसाब से हम लोग सारे कन्वर्जन पीरियड हम लोग निकाल देंगे। सारे कन्वर्जन पीरियड निकालने के बाद हमारा क्या होगा, हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब यह है ए है हमारा रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, बी है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, सी है हमारा फिक्स्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड और डी है हमारा रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। सो सारे डेज को मिला दोगे तो आपको लगेगा 228 डेज, मतलब 228 दिन आपको लग जाता है कैश टू कैश में, क्लियर। कैश टू कैश मतलब जो कैश आप पहले इन्वेस्ट किए थे उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदे, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस में डाले, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स निकला, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स आप मार्केट में बेच दिए, मार्केट में जितना भी बेच दिए कैश में बेच दिए, तो इट इज फाइन कि कैश आपको मिल गया। अगर आप क्रेडिट में बेचे हो तो इट विल टेक टाइम कि डेटर्स लोग आपको पैसा देंगे। तो सारा डेज को आप मिला दोगे तो 228 डेज हो रहा है यहाँ पे, तो 228 दिन हो जाएगा, इट इज योर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, हो गया। तो 228 दिन आपको लग जाते हैं एक कैश टू कैश में, क्लियर। सो इट्स ए वेरी लॉन्ग पीरियड। तो नेट ऑपरेटिंग सर्किल में क्या होगा, यहाँ पे आप देखो पेबल डिफरल पीरियड, पेबल डिफरल पीरियड मतलब जो परचेज पर डे, ओके परचेज पर डे, अब जितना चीज उधार में खरीदे हो और उसको देना पड़ेगा किसको, क्रेडिटर्स को, उसको भी माइनस करना पड़ेगा, हो गया। 228 माइनस 45 डेज, ये आपका निकल गया 183 डेज इज योर नेट ऑपरेटिंग सर्किल। बहुत आसान है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू मेमोराइज द 4-5 फॉर्मूलाज, हो गया। ये क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे। नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, हो गया। काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जैसे कि चार्ट में आपको दिख रहा होगा, वर्किंग कैपिटल इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू में दो मतलब इट इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स सच एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। सो ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो नो नीड टू स्टडी, ओके। मैं आपको ये सेशन में स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया हूँ। अभी आप आ जाओ टाइम बेस्ड, टाइम बेस्ड में दो तरीके का होता है, एक होता है हमारा टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और एक होता है हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल, क्लियर। तो नाम से ही आपको आप गेस कर मतलब कर रहे होगे कि ये क्या है, ओके। सो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल मतलब, वन सेकेंड, हाँ ये हमारा वैल्यू बेस्ड हो गया और हमारा टाइम बेस्ड हो गया। तो अभी हम टाइम बेस्ड में हम लोग पढ़ेंगे टेम्पररी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल। सो परमानेंट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, जो वर्किंग कैपिटल हमारा फिक्स्ड है, क्लियर। फिक्स्ड है मतलब जो
हमारा वर्किंग कैपिटल विदाउट एनी इंटरप्शन हम लोग वर्किंग कैपिटल मेंटेन करते हैं। और टेम्पररी क्या है, टेम्पररी में वो एक वो चीज़ होता है कि हमारा सेल्स वॉल्यूम काफ़ी टाइम पे फ्लक्चुएट करता है, क्लियर। तो वो सेल्स वॉल्यूम अगर फ्लक्चुएट हुआ तो वर्किंग कैपिटल नीड, हमारा जो वर्किंग कैपिटल नीड है वो भी ऊपर नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो वहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल हमारा फ्लक्चुएट होता है, फ्लक्चुएट होता है और वेरिएबल वेरी करता है वर्किंग कैपिटल, दैट इज नोन एज योर टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, हो गया। और विच इज फिक्स्ड, हो गया, विच इज फिक्स्ड है हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए इतना अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमको चाहिए ही चाहिए, दिस इज फिक्स्ड, हो गया, वो दिस इज कंक्रीट, वो हम इस अमाउंट को फ्रीज कर देंगे। सो दिस इज कॉल्ड योर परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, क्लियर, ओके। अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, क्लियर। जैसे कि हमारा एडवांटेज मतलब इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, क्लियर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ ए बिजनेस, मतलब हम ये अमाउंट हमको चाहिए क्योंकि हमको डे टू डे भाई बिजनेस चलाना है हमको, क्लियर। तो हमको हमारे पास वी मस्ट हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल और सफिशियंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो व्हाट आर दोज एडवांटेजेस, अगर हमारे पास सफिशियंट और एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, जाहिर है कि बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस मतलब हमारे करंट एसेट्स और हमारा करंट प्रॉपर्टीज बहुत हेल्दी पोजिशन में है, वी आर हेल्दी एनफ और अवर फिनेंशियल हेल्थ इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू पे ऑफ अवर ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज, क्लियर। हमारे शॉर्ट टर्म पे ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करने के लिए हमको हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट जो कि करंट एसेट्स है जो कि नियर फ्यूचर में हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे वो सफिशियंट है या नहीं, सो दिस इज कॉल्ड एज योर सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। सॉल्वेंसी मतलब हम इंसॉल्वेंट नहीं है, अगर रिवर्स हो जाएगा तो हमको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा, दिस इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, मतलब हमारा उधार बहुत हो गया है और हमारे पास कैश सफिशियंट नहीं है वो उधार चुकाने के लिए। सो ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अगर आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करोगे दिस लीड्स टू सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस और दिस इज ए वेरी फेवरेबल साइन ऑफ ए बिजनेस, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन, क्लियर। अभी आप सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, दैट इज योर गुडविल। गुडविल मतलब क्या है, जैसे कि हमारा वर्किंग कैपिटल अगर सफिशियंट है तो इट विल लीड्स टू प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जो भी क्रेडिटर्स लोग हमारे पास हैं जो कि हमको फ्यूचर में पैसा मांगने वाले हैं हम इजिली हम उनको पैसा दे देंगे, क्लियर। भाई तुम्हारा पैसा इतना बाकी है भाई तुम अपना पैसा ले जाओ, क्लियर, वो इजी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, क्रेडिटर लोग के क्रेडिटर लोग क्या बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे जैसे कि वो लोग हमको क्रेडिट में पैसा दिए हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं ये अच्छा कंपनी है ये हमको टाइमली उधार चुका देता है। तो ये क्या है, ये इट विल इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ ए फर्म, हो गया। तो हैंस द गुडविल ऑफ ए फर्म इज इंक्रीज, क्लियर। तो गुडविल ऑफ ए फर्म इंक्रीज मतलब रेपुटेशन इन द मार्केट, हमारे मार्केट में हाँ ये एक अच्छा कंपनी है, ये अच्छा प्रोडक्ट देता है, ये अपने क्रेडिटर्स को अच्छे ठीक टाइम पे उधार चुका देता है, तो ये सब अच्छा इंप्रेशन है ये कंपनी ड्रॉ करेगा मार्केट से, ओके। सो एडिक्वेट अगर वर्किंग कैपिटल है तभी ये चीज हो पाएगा, क्लियर। इजी लोन्स, इजी लोन्स मतलब ये बैंक से अरेंज कर सकता है इजी लोन, क्लियर। क्यों कि अगर बैंक लोन देगा तो बैंक फिर लोन विथ इंटरेस्ट लेगा, तो आपके पास अगर सफिशियंट वर्किंग कैपिटल है तो यू कैन इजीली अरेंज शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म लोन्स और छोटा मोटा अमाउंट का लोन आप बैंक से ले सकते हो। उसके बाद कैश डिस्काउंट, क्लियर। जैसे कि टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट्स में आप लोग पढ़े होंगे व्हाट इज कैश डिस्काउंट एंड व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। डिस्काउंट एक्चुअली दो तरीके का होता है, आप मार्केट में जाते हो यहाँ पे खरीदने के लिए, भाई कितना कितना पैसा हुआ, सपोज 1,000 रुपया हुआ, भाई कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप पूछते हो, कॉमन चीज सब लोग पूछते हैं, तो बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है 50 रुपया आप डिस्काउंट मैं दे देता हूँ आपको और आपको 950 रुपया पड़ेगा। इट्स वेरी इजी क्योंकि 50 रुपया आपको फायदा होगा यहाँ पे क्योंकि वो आपको डिस्काउंट मिल गया। अभी क्या है, कैश डिस्काउंट, आप कैसे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दो तरीके का डिस्काउंट होता है। फर्स्ट कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मतलब आप जब प्रॉम्प्ट पेमेंट कर देते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट इजिली सडन अगर पेमेंट इमिडिएटली कर देते हो तो कैश डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और आपने अपने क्रेडिटर्स को प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, टाइमली पेमेंट करते हो और
विथ एग्जैक्ट अमाउंट पे कर देते हो, तो क्या होता है कि आपको कैश डिस्काउंट कुछ मिलता था, हो जाता है कि कुछ आपको कैश डिस्काउंट मिल जाए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है जिसके लिए कंपनी को वर्किंग कैपिटल सफिशियंट मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी चीज है जहां से आप रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो जो भी सप्लायर से, वो आपको रेगुलर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। क्यों? आपको ठीक टाइम से आप उसको पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट कब कैसे कर पा रहे हो? प्रोवाइडेड आपका वर्किंग कैपिटल सर्किल, जो ऑपरेटिंग सर्किल है, जो डायग्राम हम लोग अभी देखे, वो ऑपरेटिंग सर्किल में कहीं भी कुछ इंटरप्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल आप जब खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल को आपको इमिडिएटली फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट पे बेच के कैश ला के अगेन फिर सप्लायर को देना पड़ेगा। क्लियर? जैसे कि हम लोग वो टोटल टाइम पीरियड कैलकुलेट किए 228 दिन, तो 228 दिन में हम लोग मतलब बिजनेस रन कैसे करेगा, क्योंकि जो पैसा हम लोग आज इन्वेस्ट किए, वो जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन में 228 दिन के बाद हमको पैसा मिल रहा है, तो 228 दिन तक तो कंपनी चलेगा कैसे? वो 228 दिन कंपनी चलाने के लिए हमको चाहिए वर्किंग कैपिटल। क्लियर? इसीलिए बोलते हैं लाइफ ब्लड ऑफ ए कंपनी। क्लियर? अगर खून नहीं रहेगा, ब्लड नहीं रहेगा, तो हम लोग जैसे हम चल नहीं सकते, हम लोग वीक हो जाएंगे। शॉर्टेज और डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड मतलब क्या? विच लीड्स टू वीकनेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही सेम चीज है, वर्किंग कैपिटल डेफिशिएंसी और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल लीड्स टू व्हाट? हमारा वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल वीकनेस ऑफ एनी बिजनेस कंसर्न। हो गया रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी, जैसे कि हमारे पास कैश रहेगा सफिशियंट। क्लियर? हम लोग कैश रिकवर कर पाएंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगे। क्लियर? सैलरी देंगे तो ये क्या होगा, एम्प्लॉयज का मोरल हाई करेगा। क्लियर? आपको अगर काम करोगे सैलरी नहीं मिलेगा तो इट विल डिक्रीज योर मोरल, और आपको इच्छा नहीं होगा, नहीं भाई हमको तो ठीक टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इट डेफिनेटली राइज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अभी आप देखो एक्सप्लोइटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन। एक्सप्लोइटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन मतलब क्या है? यहाँ पे फेवरेबल मार्केट कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हाँ अभी बिजनेस, अभी मार्केट क्या है, अच्छा है बिजनेस के लिए, हम कभी भी कैसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस के लिए जो जो चीज जरूरी है, जैसे कि लेबर कॉस्ट हुआ, ओवरहेड्स हुआ, मटेरियल हुआ, ये सब का चीज अगर मतलब घट के है, अभी लेबर सपोज सस्ते में मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल हमको मार्केट से सस्ते में मिल रहा है, तो ये है अच्छा कंडीशन है। इसी दौरान काफी सारा कुछ हम लोग खरीद लेंगे, रॉ मटेरियल ज्यादा खरीद लेंगे, क्योंकि अभी दाम घटा हुआ है, तो हमें ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लेंगे। रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदने से क्या होगा, हम लोगों को प्रोडक्शन में सुविधा होगा, हम सफिशियंट क्वांटिटी सप्लाई कर सकेंगे। तो दिस इज कॉल्ड योर फेवरेबल मार्केट कंडीशन, जब हमको जो चीज चाहिए कच्चा माल, वो चीज हमको मार्केट में सस्ता मिल रहा है, तो उसी टाइम का हम लोग डेफिनेटली फायदा उठाएंगे। क्लियर? अभी आप देखो लास्ट है एबिलिटी टू फेस क्राइसिस। फेस क्राइसिस मतलब जब हमारा इमरजेंसीज रहता है, तो जब क्राइसिस हो जाएगा, जब पैसा ज्यादा हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो क्या है, ज्यादा हमको ज्यादा प्रेशर कहाँ पे पड़ता है, ज्यादा प्रेशर होता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। हमको जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, ज्यादा प्रेशर पड़ता है वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऑल ऑफ ए सडन डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर? तो हमारे पास अगर सफिशियंट वर्किंग कैपिटल है, तो हम वी आर एबल एनफ टू फेस ऑल द क्राइसिस व्हिच विल अराइज इन द फ्यूचर। क्लियर? तो ये है, अगर हमारे पास सफिशियंट वर्किंग कैपिटल है, इफ वी हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, देन दीज आर द एडवांटेजेस और द कंपनी विल डेराइव बेनिफिट इन दीज वेज। क्लियर है? आसान? चलो अभी नेक्स्ट में आप देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्लियर? डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब ये एक बहुत अद्भुत चीज आप बोल सकते हो। वर्किंग कैपिटल एक बहुत सेंसिटिव चीज है, अगर ज्यादा हो गया तो भी नुकसान कंपनी के लिए, अगर कम हो गया तो भी नुकसान कंपनी के लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, मतलब अगर वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा है एक कंपनी के पास, मतलब तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट है हमारा आइडियल फंड्स मतलब फंड जितना पैसा है वो पड़ा रहेगा रॉ मटेरियल के रूप में, अगर ज्यादा
क्या है ज्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब फंड एक आइडल पड़ा रहेगा, एक्युमुलेशन ऑफ फंड बिकम आइडल्स, तो इसके रिजल्ट क्या होगा, कंपनी कंपनी का फंड ज्यादा घट जाएगा, क्लियर, मतलब इन्वेस्ट होके ज्यादा चीज रह जाएगा, मतलब हम लोग रिकवरी में अगेन इट विल टेक टाइम, तो यहाँ क्या होगा, देयर विल बी नो प्रॉफिट इन ए बिजनेस, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते या प्रॉफिट कमाने में आपको डिले लग जाएगा, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल हमको इन्वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि अगर पैसा होड होगा, होडिंग ऑफ मनी, होडिंग ऑफ मनी मतलब ये भी नुकसान चीज, हमेशा पैसा सर्किल होना चाहिए, दिस कॉल्ड मतलब हम लोग जो बोलते हैं हमेशा हमारा जो रिसोर्स है वो मोबिलाइज होना चाहिए, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्लियर, हमारा सर्किल रन करना चाहिए, तो हम लोग आइडियल फंड्स को नहीं रह सकते, तो एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल मे बी डेंजरियस इन सम टाइम्स, ओके, तो अननेसेसरी परचेज अगर ज्यादा वर्किंग कैपिटल रहेगा तो हो सकता है हम कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे, जैसे कि अननेसेसरी कुछ परचेज कर दिए, एक्युमुलेशन ऑफ कुछ इन्वेंटरीज रह गया, हो गया, तो ये क्या है, इट विल लीड ए मोर चांस ऑफ थेफ्ट, चोरी हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या, ज्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब ये अगेन वो एक और एक क्या है, दिस इज एन ऑल्सो दिस ऑल्सो डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ हैविंग एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, हो गया, तो यहाँ पे क्या है, और एक चीज, एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल मतलब इसका मतलब नहीं, सपोज एक आइटम है हमारा सन्ड्री डेटर्स, जो डेटर्स होते हैं जो हम उधार में सामान बेचे हैं उनको और वो हमको फ्यूचर में पैसा देंगे, क्लियर, यहाँ पे अगर डेटर को हम लोग बढ़ा देंगे तो क्या होगा, नेचुरली हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव दिखाएगा, अच्छा दिखाएगा, क्लियर, फेवरेबल दिखाएगा, लेकिन ये एक डेंजर सिग्नल है कंपनी के लिए, क्योंकि एक्सेसिव डेटर मतलब डिफेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, अगर उनको हम उधार में बेच दिए हैं और वो लोग अभी उधार नहीं चुका पा रहे हैं, जितना दे दिए तो दे दिए, जो कुछ रह गया वो अगेन हमको बैड डेट की तरह कंपनी में दिखाना पड़ेगा, अगेन डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, उधार में ज्यादा सामान बेचे मतलब कलेक्शन करने में दिक्कत होगा, कलेक्शन हम ठीक से कर नहीं पाएंगे और ज्यादा क्या होगा, लेकिन वर्किंग कैपिटल आपका क्या दिखा रहा है, जैसे कि डेटर एक करंट एसेट्स है और वर्किंग कैपिटल बोल रहा है कि डेटर से हम लोग इजिली कुछ दिन में पैसा ले आते हैं, लेकिन एक्सेसिव डेटर क्या होगा, ये डेंजर सिग्नल है कंपनी के लिए, क्योंकि सारा पैसा मिलेगा या नहीं वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका कोई गारंटी नहीं, कि देयर इज नो गारंटी ऑन द पार्ट ऑफ डेटर्स दैट दे विल पे देयर ड्यूज ऑन द राइट टाइम, क्लियर, सो इट मे कॉज बैड डेब्ट्स ऑल्सो, क्लियर, ओके, सो गिव राइज टू स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन हम आज करेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के बेसिस पर हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन हम कुछ कर जाते हैं, जैसे कि कुछ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर में वो लोग फ्यूचर में अगर हम वो चीज खरीदेंगे तो हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम लोग अभी ही वो चीज खरीद लेते हैं और कुछ ज्यादा खरीद लेते हैं, क्लियर, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटी को देख करके हम लोग अभी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमको अभी खरीद रहे हैं वो सामान, तो वो भी एक डेंजर सिग्नल है, वो दिस इज ऑल्सो मतलब वर्किंग कैपिटल का डिसएडवांटेजेस है, क्लियर, और फ्यूचर में राइज अगर फ्यूचर में घटने वाला है कोई चीज तो उसके लिए भी हम लोग प्रिकॉशन ले लेते हैं, तो दिस स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन ये हमारा डिसएडवांटेजेस है, और ये है क्या है, ये एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल, अभी आप आ जाओ वर्किंग कैपिटल अगर शॉर्ट हो गया हमारे पास, इफ वी हैव इनएडिक्वेट और शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल देन व्हाट विल हैपन, फर्स्ट है कैनॉट बाय एनी रिक्वायरमेंट्स इन बल्क, क्योंकि हमारे पास कैश नहीं रहेगा, ज्यादा सामान हम लोग खरीद नहीं सकते, ज्यादा सामान अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन हमारा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कम जाएगा मतलब सेल वॉल्यूम को उसको इफेक्ट करेगा, सेल अगर इफेक्ट किया तो अल्टीमेटली प्रॉफिट विल बी हैम्पर्ड, क्लियर, तो हमको ज्यादा वो प्रॉफिट डायरेक्टली प्रॉफिट को हिट करेगा, क्लियर, तो हमारा इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल भी रहता है कि हमारा हम लोग ज्यादा चीज हम बल्क में नहीं खरीद सकते, क्लियर, अभी क्या है, कैनॉट पे डे टू डे एक्सपेंसेस, कैनॉट पे डे टू डे एक्सपेंसेस मतलब क्या है, हम डे टू डे एक्सपेंसेस पे नहीं कर सकते ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, और कैनॉट पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब जो कि नियर फ्यूचर में हमको देना पड़ेगा, क्लियर, वी कैनॉट पे दोज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ड्यू टू दिस इनएडिक्वेसी और शॉर्टेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
हो गया। एक क्वेश्चन आपको मैं तो काफी बार देखा हूँ, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, डिफाइन वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो स्टेट द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ ए कंपनी। क्लियर? अभी आप वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ ए कंपनी मतलब वर्किंग कैपिटल हमको कितना चाहिए, डिपेंड करता है बहुत सारा चीज, नेचर ऑफ बिजनेस से। जैसे हुआ छोटा बिजनेस मतलब कम ट्रांजेक्शन मतलब कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्लियर? अभी आप आ जाओ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का नेचर कैसा है। ओके जैसे कि हमारा सपोज एक बिजनेस है हमारा पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी मतलब हम लोग ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करते। ट्रेडिंग ज्यादा नहीं करते मतलब हमको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। जैसे कि हमारा गैस सर्विस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, हो गया, और वाटर वाटर कंपनीज हुआ। तो यहाँ पे ट्रेडिंग ज्यादा नहीं होता। ट्रेडिंग ज्यादा नहीं होता मतलब नेचुरली वी नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। और जो चीज ट्रेडिंग जो होता है जहाँ पे लिक्विड कैश बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग खरीदने और बेचने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा कंपनी एक जगह से सामान खरीदता है, दूसरी जगह पे बेच देता है, मतलब इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग में बहुत वर्किंग कैपिटल जरूरी है। तो इट डिपेंड्स कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब जो भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में हमको क्या चाहिए, वी नीड रॉ मटेरियल, अगेन वी नीड लॉट्स ऑफ मतलब लेबर हमको चाहिए, ओवरहेड चाहिए, वर्किंग प्रोग्रेस में कितना दिन वो सामान पड़ा रहेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी। तो ये सब प्रोसेस में हमको क्या चाहिए, वी नीड एन एम्पल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड इट हैज टू बी मेंटेन कॉन्स्टेंटली। क्लियर? वर्किंग कैपिटल मेंटेनेंस भी चाहिए, उसको घटना नहीं चाहिए या बढ़ना नहीं चाहिए। वो डिटरमाइन करता है कि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करेगा कि व्हाट विल बी आवर वर्किंग कैपिटल। क्लियर? जैसे कि लेबर इंटेंसिव मतलब इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है। क्लियर? हम और जहाँ पे और एक जो होता है ना लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। बहुत आसान है, लेबर इंटेंसिव कंट्री सॉरी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या है, जहाँ पे मशीन से कम काम होता है और लेबर ज्यादा काम करते हैं। हो गया? और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब क्या, जहाँ मशीन ज्यादा काम करता है और लेबर कम काम करते हैं, जैसे कम एम्प्लॉय होते हैं लेबर। हो गया? तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में हमको जैसे कि लेबर का खर्चा ज्यादा है तो हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल जरूरी है, क्योंकि वी हैव टू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन गिविंग देम वेजेस सैलरीज टू वर्कर्स और द एम्प्लॉयज। लेकिन अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में क्या है, वो हम मशीन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो उस लेबर इंटेंसिव के कंपेयर में हमको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, कहाँ पे, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में। अगेन सेकेंड पॉइंट आप देखो, साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस, बिग मतलब लार्ज स्केल ऑपरेशन, बहुत बड़ा बिजनेस मतलब लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑन द अदर हैंड लेस मतलब लेस स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। कम कम अगर भी हम लोग वर्किंग कैपिटल में मेंटेन करेंगे तब भी हमारा बिजनेस चल जाएगा। क्लियर? तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। अभी आप आ जाओ थर्ड पॉइंट, टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो हम लोग ऑपरेटिंग सर्किल देखे इससे पहले जो डायग्राम, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है देन वी नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर कम है तो वी नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देन आप आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब हाउ मच मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज्यादा है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज हाई देन वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इज मोर एंड वाइस वर्सा। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो वी नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देन आप आ जाओ ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर एक कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे है और एक कंपनी इज एक्सपैंडिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी, देन द बिजनेस विल नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन इट्स ग्रोथ। उसका ग्रोथ मेंटेन के लिए उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चाहिए। देन नेक्स्ट, अभी आप आ जाओ टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। हो गया? टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल मतलब आप यहाँ पे जो भी आप टर्म से परचेज करते हो, परचेज मतलब कितना क्रेडिट करते हो, कितना कैश में करते हो। अगर क्रेडिट करते हो तो उसका टर्म्स कितना है, तो वो कितने कितना क्रेडिट में करते हो तो कितना कितने दिन के अंदर वो पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर उधार में बेचते हो तो कितने दिन के अंदर आपको पैसा वहां से डेटर से आप कलेक्ट कर सकोगे। तो ये होता है हमारा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल।
कौन से टर्म में आप परचेस कर रहे हो एंड कौन से टर्म में आप सेल कर रहे हो. ओके तो आप अगर आप एक इजी आप चीज देखो, अगर आप क्रेडिट में परचेस कर रहे हो और सेल में मतलब क्या कैश में सेल कर रहे हो, मतलब अभी आपका कैश जितना लगा नहीं, मतलब क्रेडिट में आप खरीदे सामान, क्रेडिट में खरीदे मतलब पैसा आपका अभी लगा नहीं, यू अभी तक आपको पैसा नहीं चाहिए क्योंकि आप खरीद रहे हो कैसे, क्रेडिट में खरीद रहे हो, लेकिन आप बेच दे रहे हो उसको क्या में, सॉरी हाँ बेच दे रहे हो क्या में, कैश में. मतलब यहाँ पे ये सिचुएशन में आपको लेस वर्किंग कैपिटल से भी चलेगा क्योंकि आपको कैश टू कैश में आपको मतलब क्या कम टाइम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, लेकिन आप खरीद बेच रहे हो कैश में, आपका विदाउट इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कैश मार्केट से कलेक्ट कर रहे हो. कैश कलेक्ट करने के बाद आप जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदे थे, कहाँ से, उधारी में, जहाँ क्रेडिट में, आप उसको पेमेंट कर रहे हो. तो यहाँ पे यू विल नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके अगर उल्टा है, आप कैश से सामान खरीद रहे हो और उसको बना रहे हो फिनिश प्रोडक्ट में और सामान बेच रहे हो क्रेडिट में, तो यहाँ पे यू विल नीड ए लॉन्गर साइकिल, लॉन्गर पीरियड, क्लियर, कैश टू कैश में, क्योंकि आप पहले कैश इन्वेस्ट कर चुके हो, कैश आपका ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, आपके पास कैश उतना है, आपके पास कैश उतना तो होगा नहीं, जितना आप इन्वेस्ट कर दिए हो वो कैश आपके क्या मतलब फंस गया है, वो कैश, क्लियर, इन्वेस्ट कर चुके हो. और साइड बाय साइड क्या कर रहे हो, आप जो बेच रहे हो सामान उसको आप उधारी में बेच रहे हो, उधारी में बेच रहे हो मतलब वहां से फिर कलेक्ट होने में टाइम लगेगा, वहां से कब कलेक्ट होगा और आप जहां से सामान लाए हो उसको फिर कब चुकाओगे, तो वो सर्किल जो है वो पीरियड बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है, यू नीड टू मेंटेन ए मोर और ए सफिशियंट और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, ये केस में. अभी आप आ जाओ कंडीशन ऑफ सप्लाई, कंडीशन ऑफ सप्लाई मतलब आप अगर रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई हो रहा है, ओके रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई हो रहा है मतलब आपको इन्वेंटरी कम स्टॉक रखना पड़ेगा, क्लियर. रॉ मटेरियल अगर रेगुलर सप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको इन्वेंटरी स्टॉक में ज्यादा बढ़ा देना पड़ेगा, क्लियर. अगर रेगुलर सप्लाई हो रहा है तो यू नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर रेगुलर सप्लाई नहीं हो रहा है आपके पास रॉ मटेरियल तो आपको यू नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो पहले वो बिजनेस में आप देखोगे कि कंडीशंस ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सप्लायर इज रेगुलर और इरेगुलर, अगर रेगुलर है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं, वी नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अदरवाइज वी नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. देन आप आ जाओ मार्केट कंडीशन मतलब मार्केट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन इन ए मार्केट. Okay, if the competition is intense or very high degree, then the company has to spend a lot of money in running the advertising campaigns. मतलब market condition में अगर बहुत high degree of competition है तो आपको advertising में ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है. अगर आप ज़्यादा पैसा खर्चा कर दोगे तो again पैसा आपके पास रहेगा नहीं क्योंकि आप promotional activities में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो, तो you need more amount of working capital, clear? जहाँ पे आप लेस कंपटीशन है और आप मोनोपोली मार्केट में आप घुस गए हो, जहाँ पे आप ही एक सेलर हो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, वो आप वहाँ पे क्या होगा कि आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका काफ़ी कम जाएगा, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नॉट एग्जैक्टली मतलब प्रोमोशनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट और प्रोमोशन ऑफ ए प्रोडक्ट, ये आपका घट जाएगा, ये घट जाएगा मतलब यू नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके अभी आप आ जाओ बिजनेस साइकिल, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब अगर सर्किल बड़ा है तो वी नीड मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर कैश टू कैश सर्किल छोटा है तो वी नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. देन रेट ऑफ टर्नओवर, रेट ऑफ टर्नओवर मतलब मतलब सेल्स, जो सेल्स जल्दी जल्दी हम लोग बेच रहे हैं, क्लियर, जल्दी जल्दी हम लोग बेच रहे हैं तो हमको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्लियर, जल्दी जल्दी बेच रहे हैं मतलब फटाफट हमको कैश मिल जा रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल में भी चलेगा क्योंकि फटाफट हम लोग कैश रिकवर कर रहे हैं, तो हमको जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसको खर्चा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्लियर, वी विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टीज इन इनकरिंग आवर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस. ओके देन कैश रिक्वायरमेंट, कैश रिक्वायरमेंट मतलब हमको कैश बैलेंस बिजनेस में चाहिए, क्यों चाहिए हमको, टू पेमेंट ऑफ सैलरी, टू पेमेंट ऑफ रेंट, टू पेमेंट ऑफ टैक्स. ओके तो हमको अगर कैश नीड हमारा हाई है तो देन इट रिक्वायर्स मोर
amount of working capital. And if, in other words, higher cash requirement, greater will be the requirement. Clear? जितना ज्यादा हमारा requirement है cash का, working capital उतना हमारा बढ़ जाएगा और हमको ज्यादा चाहिए. Clear? Again आप आ जाओ seasonal variation, ये last point है. Okay, उसके बाद कुछ दो तीन illustrations है, उसके बाद ये working capital का मतलब first part हमारा cover हो जाएगा. Seasonal variation मतलब due to busy season हमारा जो होता है वर्किंग कैपिटल बहुत डिपेंड करता है. सीजनल वेरिएशन मतलब कुछ कुछ सीजन में हमको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, जैसे कि धनतेरस. धनतेरस एक आपको सबको पता है, सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, तो गोल्ड का जो ऑर्नामेंट्स, गोल्ड का जो चीज़ है, उसको हम लोग जो जो भी बिजनेस कर रहे हैं गोल्ड का, उनका उस टाइम में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. जैसे कि नेकलेस हुआ, रिंग्स हुआ, गोल्ड कॉइन्स हुआ, बहुत लोग खरीदते हैं उस दिन. क्लियर? तो जैसे कि हमारा एक दशहरा है, दशहरा में जैसा टेक्सटाइल है, सब लोग नया कपड़ा खरीदते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा. तो सीजन के वाइज जो लोग सीजनल बिजनेस करते हैं, वो पर्टिकुलर सीजन पे उन लोगों को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए. क्लियर? ज्यादा कैपिटल होगा तो ही वो लोग स्मूथ प्रोडक्शन कर पाएंगे. स्मूथ प्रोडक्शन होगा तो एग्जैक्टली स्मूथ चीज पे हम लोग फोकस, ऑल मतलब डिलीवरी ऑफ आवर फाइनल प्रोडक्ट, वहां पे हम लोग फोकस कर पाएंगे और अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन और रेगुलरिटी इन प्रोडक्शन हमारा ठीक से हो पाएगा. क्लियर? तो ये है हमारा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ ए कंपनी. तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं हमको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए. क्लियर? इसका एक थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन काफी बार मैंने एग्जाम पे देखा है. क्लियर? काफी बार आता है ये क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से, आप उसको आपको लिखना पड़ेगा. सारा पॉइंट्स आप लोग लिखोगे और सारा पॉइंट्स में कुछ कुछ तीन चार लाइन का एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे. क्लियर? इट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी आप आ जाओ प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो अगर आप वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हो, तो व्हाट आर दोज प्रिंसिपल, कौन कौन से रूल्स से आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा. क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन. प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन मींस रिस्क क्या है. यहाँ पे रिस्क रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द फर्म. हो गया? रिस्क क्या है, हम लोग ठीक टाइम पे पैसा चुका नहीं सकते, ये डर रहता है हमारा. अगर नहीं चुका सकते तो प्रॉब्लम आ जाएगा. वो अगेन हमको सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ठीक टाइम पे नहीं होगा. तो ये क्या है कि द इनएबिलिटी ऑफ ए फर्म, रिस्क मींस हियर इनएबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन व्हेन दे ड्यू फॉर पेमेंट. जब वो पेमेंट के लिए ड्यू हो रहा है, उसी टाइम हमको पैसा है या नहीं. तो लार्जर इन्वेस्टमेंट ऑन करेंट एसेट्स. हो गया? ध्यान से देखो, लार्जर इन्वेस्टमेंट्स ऑन करेंट एसेट्स एंड लेस डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज लिक्विडिटी. हो गया? उसको और एक बार मैं समझा रहा हूं. अगर आप करेंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, हो गया, आपको वर्किंग कैपिटल कैसे चाहिए, आपको कैश चाहिए. हो गया? कैश चाहिए मतलब आप करेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे और शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब आपको जब कैश चाहिए तब आप और एक क्या कर सकते हो, छोटा मोटा उधार ले लोगे. हो गया? तो वहां पे छोटा मोटा जो उधार लोगे उसके ऊपर आप लेस डिपेंडेंट रहोगे. हो गया? और करंट एसेट जो भी रहेगा उसके ऊपर आप मोर डिपेंडेंट रहोगे. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब इट लीड्स टू लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मतलब करंट एसेट्स पे ज्यादा इन्वेस्ट है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. हमको उधारी भाई नहीं चाहिए, हम लोग करंट एसेट्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग्स है वहां पे हम लोग ज्यादा डिपेंड नहीं करेंगे. क्लियर? किसको उधारी चुकाना है मतलब दूसरे से उधार लेकर और हम उसको चुका देंगे, तो जिससे उधार लिए उसको फिर हमको चुकाना पड़ेगा. तो ये है रिस्क वेरिएशन. तो उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. हो गया? तो प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, हमारा जो कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट होके है कंपनी में, वो एक आउटसाइडर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसका वैल्यू कितना है, दैट इज अवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्लियर? अभी आप क्या करोगे, ईच सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हैज ए डिफरेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा, तो एक फर्म शुड रेज कैपिटल इन सच ए मैनर दैट
ए बैलेंस कैन बी मेंटेन बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट. रिस्क एंड प्रॉफिट मतलब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी उसका पैसा है, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर मैं कैपिटल रेज कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, वी नीड टू मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट. मतलब कितना रिस्क है, वो रिस्क फैक्टर को और प्रॉफिटेबिलिटी को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट आएगा तो ही हम चुकाएंगे. क्लियर? रिस्क फैक्टर कितना है, अगर ज्यादा रिस्क है तो वी नीड टू गो फॉर एन अल्टरनेटिव. क्लियर? अल्टरनेटिव. तो यहाँ पे जब वर्किंग कैपिटल मैनेज करेंगे तो हमको रिस्क और प्रॉफिट में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देन आप आ जाओ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी पोजिशन. इक्विटी पोजिशन मतलब हमारा जो करेंट एसेट्स पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्लियर, उसके ऊपर कैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से एसेट्स पर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको अच्छा रिटर्न मिलेगा. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, वी नीड टू प्लान आवर इन्वेस्टमेंट ऑन द करेंट एसेट्स. इफ लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग मीन्स हमारा वर्किंग कैपिटल गड़बड़ा जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पे. तो एज पर दिस प्रिंसिपल द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन ईच कॉम्पोनेंट शुड बी जस्टिफाइड. क्लियर? तो हमको और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, एवरी सिंगल रुपी इन करंट एसेट्स, मतलब जितना भी एक भी पैसा हम लोग करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नेटवर्थ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए. नेटवर्थ मतलब क्या है, कंपनी के कैपिटल को हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल मतलब फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, ये बेसिस पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं. तो जो भी हम करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे दैट विल कंट्रीब्यूट टू आवर नेटवर्थ, मतलब करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को माइनस करने के बाद एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ करंट नेटवर्थ और एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारा चाहिए, मतलब इट विल कंट्रीब्यूटिंग हो गया. तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है इट विल कंट्रीब्यूटिंग टू आवर नेटवर्थ और टू द कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजिशन. अगेन लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी इन पेमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी इन पेमेंट मतलब ये है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल, कहाँ कहाँ से हमको वर्किंग कैपिटल के लिए फाइनेंस मिलेगा. क्लियर? सो द फर्म शुड मेक एवरी वैलिड एफर्ट टू रिगार्डिंग द मैच्योरिटीज ऑफ पेमेंट टू इट्स फ्लो ऑफ इंटरनली जनरेटेड फंड. इसका मतलब क्या है, जो शॉर्टर मैच्योरिटी शेड्यूल होता है जो करंट लाइबिलिटी के लिए इन रिलेशन टू एक्सपेक्टेड कैश, हो गया, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो ग्रेटर द इनएबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन. मतलब जो करंट लाइबिलिटी में जो शॉर्टर द मैच्योरिटी शेड्यूल, मतलब यहाँ पे जो करंट लाइबिलिटी को हम लोग पेमेंट करेंगे और जो हमारा एक्सपेक्टेशन इन रिकवरिंग कैश होगा, तो यहाँ पे अगर शॉर्टर जल्दी हमको पेमेंट करना पड़ता है और वो जो सपोज हमको पेमेंट करना है 5 दिन के अंदर, लेकिन हमको हमारे पास कैश आते आते 7 दिन लग जाएगा, तो क्या है हम क्या करेंगे, पैसा दे, मतलब वी विल बी अनेबल टू पे कैश, हो गया. तो यहाँ पे क्या है, तो करंट लाइबिलिटी को हम जितना दिन के अंदर देंगे उससे पहले हमको रिकवर कर देना चाहिए पैसा. क्लियर? तो ही हम करंट लाइबिलिटी को हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम लोग पे कर पाएंगे. तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी इन पेमेंट. तो ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम पेमेंट दे रहे हैं उससे पहले हमारा कलेक्शन हो जाए, हो गया. तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अभी आप आ जाओ मेथड्स, हो गया, ये है फाइनल स्टेज है. कौन कौन सा मेथड, यहाँ पे ईच मेथड में हम लोग एक एक इलस्ट्रेशन जस्ट ओवरलुक करेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सारे मेथड्स में हमको कैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमको मतलब निकालना है. पहला है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, हो गया. दूसरा है रिग्रेशन एनालिसिस मेथड. तीसरा है कैश फोरकास्टिंग मेथड. चौथा है ऑपरेटिंग सर्किल मेथड, हो गया. पांचवा है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड. एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके एक एक इलस्ट्रेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज सेल्स मेथड. परसेंटेज सेल्स मेथड मतलब ये पूरा आसान चीज है, वर्किंग कैपिटल और सेल, हो गया, ये पैरेलली हमारा रन कर रहा है या नहीं, इसको आप सिंपली देख लो. अगर ठीक है तो वी आर इन ए फेवरेबल पोजिशन. वर्किंग कैपिटल कितना है विस-अ-विस हमारा सेल ऑफ ए फर्म कितना है. सो दिस इज द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द वर्किंग कैपिटल
which is related directly to the sales of a firm. हो गया तो यहाँ पे और एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस अगर एज्यूम करेंगे कि वर्किंग कैपिटल और सेल्स पैरेलली हमारा रन कर रहा है तो हम एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि ये टाइम में हमारा वर्किंग कैपिटल हमको इतना पहले से हमको रख देना चाहिए क्लियर टू पेमेंट ऑफ आवर करेंटली करेंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हो गया तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस बिटवीन सेल्स और वर्किंग कैपिटल हम फ्यूचर में कितना होने वाला है वर्किंग कैपिटल हम कितना बैलेंस रखने वाले हैं वो चीज़ को हम इजीली फाइंड मतलब निकाल सकते हैं सपोज आप देखो ये एक बैलेंस शीट है क्लियर बैलेंस शीट में एक छोटा सा बैलेंस शीट है आप इजीली उसको रीड कर सकोगे एसेट्स में आप देख लो फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन 3 लाख है इन्वेंटोरीज है हमारा 1 लाख और सन्डरी डेटर्स है 70,000 कैश एट बैंक है 10,000 और लाइबिलिटी साइड में आप देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख 8% डिबेंचर्स है 1 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस है 50,000 लॉन्ग टर्म लोन्स है 50,000 सन्डरी क्रेडिटर्स है 80,000 तो ये है हमारा एक कंप्लीट बैलेंस शीट यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आप देखो नीचे लिखा होगा सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 हो गया सेल्स फॉर द ईयर मतलब 31st March 2017 एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सेल्स कितना है हमारा 10 लाख रुपया हो गया और सेल्स पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर एक आइडिया हम लोग लगा रहे हैं कि इट इज एस्टिमेटेड दैट द सेम विल अमाउंट टू 12 लाख रुपया 12 लाख हमारा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में 2017-18 में क्लियर तो हमको उसी बेस पर सेल के बेसिस पर हमको पता करना है कि वर्किंग कैपिटल कितना होगा बहुत आसान है ये जो वर्किंग कैपिटल में हमको क्या निकालना पड़ेगा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी हमारा नेक्स्ट ईयर में और जो प्रोजेक्टेड ईयर है वो ईयर में हमको निकालना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल मतलब ऑल करंट एसेट्स का वैल्यू कितना होगा और ऑल करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू कितना होगा इन द कमिंग ईयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल उसको हम अगर निकाल देंगे तो हमको नेक्स्ट ईयर का वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा मतलब इतना अगर वर्किंग कैपिटल हम नेक्स्ट ईयर में रख देंगे तो हमारा डे टू डे बिजनेस अफेयर्स इजीली हम लोग मेंटेन कर सकते हैं क्लियर इसका सॉल्यूशन आप देखो बहुत इजी है देखो सॉल्यूशन देखो सेल्स दिया है 10 लाख हो गया उसको हम 100% लेंगे और एस्टिमेट मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए हमको 12 लाख सेल हमारा हो जाएगा उसी बेसिस पर आप देखो करंट एसेट्स यहाँ पे क्या क्या है 3 करंट एसेट्स है जो कि है इन्वेंटरीज कैश एट बैंक और सन्डरी डेटर्स जो कि इजीली हम लोग कैश में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 1,70,000 और 10,000 तो इसके बेसिस पर परसेंटेज टू सेल कितना होगा 10, 7 और 1 उसके बाद क्या होगा अब 12 मल्टीप्लाइड बाय वो परसेंटेज कर दो जैसे कि 12 मल्टीप्लाइड बाय आप क्यों करोगे क्योंकि एस्टिमेशन है 10 का 12 आप हो जाएगा मतलब 10 लाख क्या होगा नेक्स्ट ईयर में 12 लाख हो जा रहा है क्लियर तो अभी अगर आप इन्वेंट्रीज देखोगे तो नेक्स्ट ईयर का इन्वेंट्री आपको टेंटेटिवली कितना होगा 1 लाख जो इस ईयर था नेक्स्ट ईयर में आपको 1,20,000 हो जाएगा जैसे कि सन्डरी डेटर्स कितना हो जाएगा 84,000 हो जाएगा कैश एट बैंक कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स इट विल कम टू 2,16,000 ओके देन कम टू योर करंट लाइबिलिटीज क्लियर करंट लाइबिलिटीज क्या है एक ही करंट लाइबिलिटी है जो कि सन्डरी क्रेडिटर्स सन्डरी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 80,000 मीन परसेंटेज टू सेल कितना ऑब्वियसली 8 रहेगा तो एस्टिमेट कितना होगा 12 × 8 = 96 मतलब 96,000 हो जाएगा हमारा सन्डरी क्रेडिटर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्लियर अभी आप वर्किंग कैपिटल इजीली निकाल सकते हो टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज 2,16,000 एंड टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटी इज 96,000 सो वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी तो इट विल कम टू 1,20,000 बहुत ईजी है आप इजिली आप 1,20,000 आप निकाल सकते हो करंट सॉरी वर्किंग कैपिटल अब दूसरा मेथड देखो रिग्रेशन एनालिसिस मेथड रिग्रेशन एनालिसिस थोड़ा टफ है उन लोगों के लिए जो कि स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन आप लोग अगर पढ़े होगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा नहीं तो डोंट वरी मैं अभी आपको बता रहा हूँ रिग्रेशन एनालिसिस मतलब क्या है एक इक्वेशन निकलता है रिग्रेशन में क्लियर जिसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड में निकालते हैं रिग्रेशन में आप स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन एनालिसिस थोड़ा रेफर कर सकते हो इसको निकालने के लिए तो यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन निकलता है रिग्रेशन इक्वेशन में क्या रहता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है क्लियर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जो अपना वैल्यू खुद फिक्स करेगा क्लियर तो
हमेशा रहता है. सपोज एक इक्वेशन में आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे y इक्वल्स टू 5x, हो गया आसान है. y y y इक्वल्स टू 5x, 5x मतलब यहाँ पे आप देखो y कौन सा वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x का वैल्यू जब फिक्स होगा उसके साथ 5 मल्टीप्लाई होगा, जो निकलेगा वो हो जाएगा y का वैल्यू. क्लियर? तो y अभी वेट करेगा x के लिए कि x अपना वैल्यू पहले फिक्स करे. मतलब x इज इंडिपेंडेंट टू फिक्स इट्स ओन वैल्यू. x का वैल्यू अगर 5 हो जाएगा, y का वैल्यू 25 हो जाएगा. x का वैल्यू अगर 2 होगा तो y का वैल्यू 10 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 5 को तो निकल जाएगा y का वैल्यू. क्लियर? अभी क्लियर हो जाएगा. y इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर? तो अभी आप रिग्रेशन में क्या करोगे, फोरकास्टिंग करोगे. किस बेसिस पर फोरकास्टिंग करोगे, पास्ट डाटा के ऊपर. पास्ट डाटा के ऊपर फोरकास्टिंग करोगे कि आप वर्किंग कैपिटल और सेल्स दो वेरिएबल है. क्लियर? वर्किंग कैपिटल और सेल्स दो वेरिएबल है, उसके बेसिस पर आप निकालोगे एक इक्वेशन, जो इक्वेशन निकलेगा रिग्रेशन इक्वेशन. और वो वंस यू गेट द इक्वेशन, देन वॉट एवर अमाउंट जो भी आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना चाहोगे, वो इक्वेशन के बेसिस पर आप इजीली वर्किंग कैपिटल को निकाल सकते हो. क्लियर? अभी आप आ जाओ, ये देखो रिग्रेशन इक्वेशन. रिग्रेशन इक्वेशन मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, हो गया. y मतलब जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि पहले एग्जांपल में मैंने बोला था कि y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y हैज टू वेट फॉर x, हो गया. x अभी अपना वैल्यू पहले खुद तो फिक्स करे, उसके बाद मल्टीप्लाई होके y को वैल्यू आएगा. तो यहाँ पे आप देखो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स. यहाँ पे अब देखो y है और x है, और यहाँ पे आपको और दो अल्फाबेट्स मिलेंगे a और b. तो a और b क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट मतलब ये एक कॉन्स्टेंट नंबर है जो कि हमेशा फिक्स रहेगा. क्लियर? तो a को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं, और b को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं. ये क्या है, रिग्रेशन लाइन. b क्या है, रिग्रेशन लाइन, क्योंकि b अटैच है x के साथ. क्लियर? अब नेक्स्ट में अगर जाओगे तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. तो यहाँ पे क्या होगा, यह है इक्वेशन. अगर ये इक्वेशन को हम थोड़ा इम्प्रोवाइज करेंगे तो आप नीचे देखो बॉक्स में लिखा हुआ है समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन x. मतलब अब पहले इक्वेशन देखो, फर्स्ट बॉक्स देखो, नेक्स्ट बॉक्स देखो. नेक्स्ट बॉक्स क्या है, फर्स्ट बॉक्स का ही इम्प्रोवाइजेशन है. जैसे y में हम लोग समेशन ऐड कर दिए, मतलब टोटल ऑफ y, ये हो गया. अब ए को देखो, ए हो गया हमारा एन ए, मतलब एन हो गया. एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हो जाएगा हमारा एन. तो एन ए प्लस यहाँ पे पहले इक्वेशन में क्या है, बी एक्स है. नीचे में आप आ जाओ, बी समेशन एक्स हो गया, मतलब टोटल ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी. ओके, तो ये है हमारा और एक इक्वेशन निकल गया. फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग अगर इंप्रोवाइज कर देंगे, अगर सेकेंड इक्वेशन को हम और थोड़ा इंप्रोवाइज करेंगे तो क्या निकलेगा, समेशन एक्स को हम सेकेंड इक्वेशन में टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट विल कम टू समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बी समेशन एक्स में और एक एक्स मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, बी समेशन एक्स स्क्वायर हो गया. एन ए में अगर समेशन एक्स मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, ए समेशन एक्स हो गया. तो यहाँ पे आपको रिग्रेशन में दो इक्वेशन मिल गया. दो इक्वेशन मतलब नीचे का जो टेबल है वहां पे आप देख सकते हो देयर आर टू इक्वेशंस. क्लियर? वो दो इक्वेशंस के बेसिस पर आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल. कैसे निकालोगे, और एक एग्जाम्पल हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस का देखते हैं. ये देखो और एक इलस्ट्रेशन है, बहुत आसान है. यहाँ पे ईयर दिया है 2013, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17 and 17, 18. ये है 5 साल का हमारा फिगर, जो है हमारा सेल्स है. सेल्स है 60 लाख, जैसे कि अमाउंट इन लैक्स है 60, 80, 120, 130 and 160. अब आप आ जाओ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मतलब 12, 15, 20, 21, 23. क्लियर? अभी आप आ जाओ, सेल्स है और वर्किंग कैपिटल है. तो हमको आप देखो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू फोरकास्ट द वर्किंग कैपिटल. मतलब पहले से ही आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर 2018 और 19. मतलब 17-18 तक डाटा आपके पास अवेलेबल है, आप 18-19 अभी तक देखे नहीं हो. 18-19 कंपनी के पास इतना डाटा है, तो इस बेसिस पर व्हाट विल बी द डाटा फॉर 18 एंड 19.
क्लियर, 18 और 19 में कितना होने वाला है, सपोज 18 19 अभी तक आया नहीं, क्लियर, तो अभी आप 18 19 का वर्किंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। ओके ओके, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है 18 19 का सपोज 200 लाख, 160 है हमारा 17 18 में, और 18 19 में सपोज 200 लाख है, क्लियर, पीपीटी में थोड़ा मिस हो गया, यहाँ पे 200 लाख अगर 17 18 में है तो हमारा वर्किंग 18 19 में है तो हमारा वर्किंग कैपिटल कितना होगा। अभी आप देखो ये नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में देखो बॉक्स में जो दो इक्वेशन है उसी इक्वेशन के बेस पर हम लोग निकालेंगे, बॉक्स में जो चीज़ है हमको क्या निकाला है, एक्स को ले लेंगे हम लोग सेल्स, वाई को ले लेंगे वर्किंग कैपिटल, क्लियर, जैसे कि वर्किंग कैपिटल क्या है, डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर, तो वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो वाई इक्वल्स टू हमारा ए प्लस बी एक्स, जो हमारा रूट इक्वेशन है रिग्रेशन का। अभी हम आ जाओ वो रूट इक्वेशन को हम लोग दो में अगर डिवाइड कर देंगे तो समेशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस समेशन बी एन ए प्लस बी समेशन एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखो एक्स और वाई हमको मिल गया, तो यहाँ पे एक्स वाई हमको निकालना है क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में हमको एक्स वाई चाहिए, क्लियर, एक्स वाई हमको मिल गया 60 इंटू 12 720 880 इंटू 15 1200 ऐसे करके हम लोग निकाल दिए, क्लियर, निकालने के बाद एक्स स्क्वायर हमको एक निकालना पड़ेगा, क्लियर, ये एक्स टू जैसा दिख रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर एक्चुअली, ओके, तो एक्स स्क्वायर क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में हमको एक्स स्क्वायर चाहिए तो हमको एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, अगर सेल्स फिगर को हम लोग एक्स लेंगे तो उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो सब कुछ ये टेबल में हम लोग निकाल दिए, बहुत आसान है। और अभी क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमारा निकला समेशन एक्स वाई मतलब एक्स वाई कॉलम को हमको समेशन कर देना पड़ेगा, समेशन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कॉलम को हमको सम कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये पुट जितना भी वैल्यू हमको निकलेगा समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर ये हमको मिल जाएगा, ये टेबल में से मिलने के बाद ये दो इक्वेशन में जस्ट हम लोग पुट कर देंगे ये सब वैल्यू, क्लियर, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको क्या निकलेगा, हमको दो कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमको निकल जाएगा, क्लियर, तो रिग्रेशन इक्वेशन में जो है हमारा इंटरसेप्ट और स्लोप जो कि दो कांस्टेंट है विच इज ए एंड बी, उसका वैल्यू हमको जानना जरूरी है, उसका वैल्यू हमको पता चल गया तो हम ये रूट इक्वेशन पे इजीली हम किसी भी सेल्स फिगर के ऊपर वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं, जैसे कि वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमको ए निकल जाएगा हमारा 5.825 और बी निकल जाएगा 0.1125, तो हमारा रूट इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो इसको पुट कर देंगे तो क्या होगा, वाई इक्वल्स टू 5.825 प्लस 0.1125, क्लियर, अभी इसी बेसिस पर हम लोग निकालेंगे क्या, एक्स क्या है हमारा सेल्स, एक्स हमारा नेक्स्ट ईयर में कितना हम प्रेडिक्ट किए हैं 200 लाख, अगर 200 लाख के ऊपर हम लोग जस्ट एक्स के एक्स में अगर हम लोग 200 लाख 200 लाख वी विल पुट देन वी विल गेट अवर आंसर, क्लियर, हमारा आंसर कितना निकल रहा है हमारा, अभी देखो आंसर विल बी 27.825, क्लियर, व्हेन द सेल विल बी 200 लाख देन आवर वर्किंग कैपिटल विल बी 27.825 लाख, क्लियर, वो इक्वेशन के बेसिस पर हम लोग निकाल देंगे, अगर सेल अगर 500 लाख हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स देन व्हाट विल बी आवर वर्किंग कैपिटल, वो भी हम इसी रूट से और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर वी कैन इजीली कैलकुलेट, क्लियर, ये हो गया हमारा दो मेथड ऑफ मतलब एसरटेनमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। थर्ड मेथड है कैश फोरकास्टिंग मेथड। कैश फोरकास्टिंग मेथड क्या है, दिस मेथड ऑफ ये क्या है, यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को विच इन्वॉल्व फोरकास्टिंग ऑफ कैश रिसीव्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ कैश, मतलब कैश फ्लो में व्हाट विल हैपन, कैश फ्लो में वी टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द कैश रिसीव्स एंड ऑल द डिसबर्समेंट और पेमेंट ऑफ द कैश। तो यहाँ पे अब कैश फोरकास्टिंग में अब एक इलस्ट्रेशन देखो, स्लाइटली बिगर इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे है टेक्सास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी 2009, मतलब 2009 में वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला है। ओके, द प्राइम कॉस्ट ऑफ ए यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू 40, आउट ऑफ विच 16 इज फॉर मेटेरियल, 20 इज फॉर लेबर एंड इन एडिशन
variable expenses per unit are expected to be 7 and fixed expenses कितना है 8. ओके आप अभी और एक बार मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे 16 है मटेरियल 24 है फॉर लेबर 7 है हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड 8 है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस. ओके क्वेश्चन में दिया है पेमेंट फॉर मटेरियल इज टू बी मेड ऑन द फॉलोइंग परचेजेस. ओके यहाँ पे देखो 1/3 ऑफ सेल्स विल बी फॉर कैश एंड रेस्ट इज फॉर क्रेडिट. मतलब जितना हम लोग सामान बेचेंगे 1/3 हमारा कैश होगा, मतलब 2/3 हमारा क्रेडिट होगा. 1/3 ऑफ द एंटायर सेल्स विल बी ऑन कैश. क्लियर. अगर हम लोग 90 रुपया का चीज बेच रहे हैं तो हमारा 30 रुपया इमिडिएटली कैश मिल रहा है और 60 रुपया हम लोग फ्यूचर में कलेक्ट करेंगे क्योंकि 60 रुपीज हम लोग क्रेडिट में उसको सेल कर दिए हैं. यहाँ पे आप देखो और एक चीज दिया हुआ है एक्सपेंसेस आर पेबल इन द मंथ विच दे आर इनकर्ड एंड सेलिंग प्राइस इज फिक्स्ड एट 80 पर यूनिट. 80 रुपया हम लोग सेलिंग प्राइस उसका फिक्स किए हैं. अभी आप आ जाओ और एक क्वेश्चन एडिशन है हमारा यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर हुआ है मंथली कितना कितना हुआ है. जनवरी में 900, फरवरी में 1200, मार्च 1800, अप्रैल 2100, मई 2100, जून 2400. हो गया. तो यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ अप ए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल फ्रॉम मंथ टू मंथ इग्नोरिंग द क्वेश्चन ऑफ स्टॉक वट एवर. अभी हम उसको आप देखो उसको अभी स्टेटमेंट शोरिंग वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे देखो फर्स्ट है लेफ्ट साइड में देखो ऑल द पेमेंट्स. पेमेंट्स हमको कौन कौन से चीज के लिए चाहिए, मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस. क्लियर. दीज आर द पेमेंट्स. पेमेंट्स मतलब हर मंथ में हमको यूनिट्स चाहिए और पर यूनिट का प्राइस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो जनवरी से मई में मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस सारा का जितना भी पर यूनिट है और पर कितना यूनिट हमारा प्रोड्यूस हुआ है मल्टीप्लाई कर देने से ये सारा अमाउंट हमारा मिल जाएगा. जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई. हो गया. अभी आप रिसीप्ट साइड में देखो. रिसीप्ट साइड में आइदर कैश सेल है हमारा, सेल दिया हुआ है ऑलरेडी, डेटर, कैश सेल और डेटर. देखो कैश सेल में जितना हमारा कैश मिल जा रहा है, कैश सेल कितना मिल रहा है 1/3 मिल रहा है और बाकी कितना है डेटर है 2/3. क्लियर. 2/3 हमारा डेटर मतलब बाद में मिलेगा, कैश सेल मतलब इमिडिएटली जितना मिल रहा है. तो दीज आर द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट. अभी आप देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे पेमेंट्स माइनस रिसीप्ट्स तो हमारा सरप्लस हमारा निकल रहा है. पहले में जनवरी में कुछ सरप्लस नहीं निकल रहा है, फरवरी में भी कुछ सरप्लस नहीं निकल रहा है, मार्च से हमारा सरप्लस आना शुरू हो रहा है 5200, 26000, 37200, 35600. तो ये दीज आर आवर सरप्लस. तो अभी आप देखो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब कितना सरप्लस कितना निकल रहा है हमारा. क्लियर. तो सरप्लस कैपिटल हमारा अभी निकल जाएगा. कब निकलेगा, पेमेंट्स माइनस हमको रिसीप्ट्स करना पड़ेगा. यहाँ पे ये है हमारा स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फ्रॉम जनवरी टू जून. क्लियर. अभी आप आ जाओ वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में जैसे कि हमारा है 1/3 है 900 यूनिट, मतलब यहाँ पे कितना निकल रहा है 24,000 निकल रहा है. हो गया. तो सेम मैनर अदर मंथ के लिए आपको निकालना पड़ेगा. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है 16 जैसे मटेरियल है 900 यूनिट मतलब 14,400. क्लियर. और दूसरे महीने के लिए भी आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा. जस्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई. क्लियर. और फॉर जनवरी देखो नील क्यों है, बिकॉज कैश फ्रॉम डेटर्स इज कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग सेल्स. क्लियर. क्योंकि वो क्रेडिट पीरियड भी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, क्योंकि जनवरी में हमारा कुछ भी कलेक्शन नहीं हुआ इसलिए जनवरी में हम उसको नील बता रहे हैं. क्लियर. अभी आप आ जाओ ऑपरेटिंग सर्किल मेथड. ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और दो मेथड है उसके बाद खत्म. ओके ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग साइकिल जब आप पढ़े हो वहाँ पे, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या, कैश टू कैश सर्किल. कैश टू कैश सर्किल मतलब यहाँ पे आप कैश जब इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से लेकर के कैश जब आप सामान बेच के कलेक्ट करोगे उतना दिन तक टोटल सर्किल को आप बोलोगे ऑपरेटिंग सर्किल. ऑपरेटिंग सर्किल मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सर्किल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. ओके यहाँ पे देखो द सर्किल स्टार्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी स्लाइड में आप देख सकते हो, द सर्किल स्टार्ट्स विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेस. ओके द सर्किल कब स्टार्ट होगा, फ्रॉम द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. और सर्किल एंड कब होगा, विद द रियलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स. क्लियर.
सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब जब आप फिनिश्ड गुड्स को बेच रहे हो उस वहां से जो जब तक रियलाइज करोगे वो टोटल सर्किल को बोलोगे आप ऑपरेटिंग सर्किल मेथड। तो इसी के बेस पर हम और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो और एक इलुस्ट्रेशन है, यहाँ पे बहुत ही आसान वाला है। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू नो ए सिंगल फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है, स्लाइड में ऑलरेडी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब हमेशा बहुत बहुत जगह पे कंफ्यूजन होता है, दिस इज नॉट द सेलिंग प्राइस। हो गया, जितना अमाउंट ऑफ गुड्स हमारे पास रेडी है टू बी सोल्ड इन ए मार्केट, उसका कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे टर्म लगा दिया गया है सोल्ड, डजेंट मीन दैट इट इज द सेलिंग प्राइस। हो गया, इट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी सोल्ड इन अ मार्केट, जितना है दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ऑपरेटिंग सर्किल। ऑपरेटिंग सर्किल मतलब हम जो प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग देखे थे, जैसे ये कितना दिन निकला था, 228 दिन निकला, 228 डेज इज योर ऑपरेटिंग सर्किल। हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन ईयर। हो गया, अगर क्वेश्चन में दिया होगा 365 डेज, देन यू विल टेक ऑल 365 डेज। अगर दिया होगा 360 डेज, देन आपको 360 डेज निकालना है, और प्लस डिजायर्ड कैश बैलेंस। तो मिनिमम कैश बैलेंस आपको कितना रखना चाहिए, वो कैश बैलेंस को आपको वहां पे ऐड कर देना पड़ेगा। तो उतना आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको चाहिए ही चाहिए, जब मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे और एक इलस्ट्रेशन है, आप देखो एक्स लिमिटेड क्या है, डिटेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 48 लैक्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल मतलब 60 डेज। 60 डेज मतलब कैश टू कैश, जब हम 60 दिन में हमारा पैसा हमारे पास वापस आ जाता है। क्लियर? अब हमको 75,000 मिनिमम डिजायर्ड कैश लेवल बैलेंस हमको रखना है। तो हम आपको एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, वो प्रीवियस फॉर्मूला में देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या, 48 लैक्स इंटू 60, दैट इज योर ऑपरेटिंग सर्किल डिवाइडेड बाय योर 360 डेज, मतलब ईयरली कितना है 360 डे हम लोग एज्यूम किए हैं, इंटू प्लस सॉरी प्लस 75,000। ये हमारा हो जाएगा 8,75,000। 8,75,000 इज आवर एक्सपेक्टेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला में ये सारा अमाउंट डाल देना है। एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला के बेसिस पर यू कैन इजिली फाइंड वट इज योर एक्सपेक्टेशन और वट इज योर फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, उसके बाद लास्ट मेथड है हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। क्लियर? प्रोजेक्टेड मेथड है यहाँ पे, अंडर दिस मेथड ए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड मतलब एक फ्यूचर बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड और पास्ट डाटा। क्लियर? उसके बेसिस पर आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न। क्लियर? ओके, तो अभी देखो, अगर द एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड करेंट एसेट्स अगर करेंट लाइबिलिटी से ज्यादा हो रहा है, देन प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में, देन इट इंडिकेट्स दैट द एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, अभी मतलब ये इंडिकेट करेगा द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी आप डायरेक्टली हम एक इलिस्ट्रेशन में आप आ जाओ। इलिस्ट्रेशन में यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिपेयर एंड एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हो गया, अभी देखो प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स। प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स मतलब हम नेक्स्ट ईयर में 1,00,000 यूनिट बेचने वाले हैं, ये हमारा टारगेट हो गया फिक्स। सेलिंग प्राइस कितना रखने वाले हैं, 8 रुपया पर यूनिट। क्लियर? और क्या क्या कंडीशंस दिया हुआ है हमारा, आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर? जितना भी हमारा सेल होगा उसका 25% हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर? हो गया, जितना भी हम लोग सेल करने वाले हैं उसका 1/4 और 25% हमको प्रॉफिट चाहिए। ये दीज थ्री कंडीशंस आर फिक्स्ड। अभी आप देखो और एक चीज दिया हुआ है एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर। अलाउड टू कस्टमर मतलब 8 वीक्स। कस्टमर मतलब डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स और ट्रेड डेटर्स जो बोलते हैं, सेम चीज है। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर को हम उधार में और क्रेडिट में सामान बेचे हैं वो लोग हमको पैसा कितने दिन में देंगे, तो एक ऑन एन एवरेज 8 हफ्ता लगता है उनको। तो द डेटर्स टेक्स 8 वीक, 8 वीक और ये क्या है 2 मंथ्स।
हो गया टेंटेटिवली 2 months फॉर गिविंग अस पेमेंट, मतलब वो लोग 2 महीने के बाद, 2 महीने के अंदर, और ऑन एन एवरेज 2 महीने में वो लोग अपना पैसा दे देते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एवरेज क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर, तो हम लोग जितना भी चीज क्रेडिट में लिए हैं तो अब हमारे क्रेडिटर कितना टाइम देते हैं हमको पैसा चुकाने में, वो एक मतलब 4 महीना देते हैं, सॉरी 4 हफ्ता देते हैं यहाँ में, तो 4 हफ्ता देते हैं मतलब 1 महीना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हम लोग अपने कस्टमर से पैसा लाते हैं 2 महीने में, लेकिन हमको पेमेंट करना पड़ेगा अपने क्रेडिटर को कितना, 1 महीने में। तो ये हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहा है चीज़, क्लियर, क्योंकि हमको कलेक्शन करने से पहले ही हमको पेमेंट करना पड़ता है, क्लियर। तो एवरेज स्टॉक होल्डिंग आइटम्स पर सेल्स रिक्वायरमेंट, तो जितना भी सेल्स है उसके हिसाब से हमको एक स्टॉक रखना पड़ेगा, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक मतलब क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक हमको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल रिक्वायरमेंट, कितना, 12 हफ्ते, 12 हफ्ते तक, जितना 12 हफ्ते मतलब 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब 3 मंथ, 3 महीने के अंदर हमारा नेक्स्ट लॉट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा टू बी सोल्ड इन द मार्केट, क्लियर। तो यहाँ पे 10% अलाउड फॉर कंटिजेंसी, कंटिजेंसी मतलब एनी अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर, तो हम लोग रिजर्व रखेंगे 10% फॉर द कंटिजेंसी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी, दिस इज द सॉल्यूशन। आप देखो हेडिंग दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देखो करेंट एसेट्स, क्लियर। पहले आप एक काम करो, नीचे जो वर्किंग नोट है पहले उसको देखो, सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 लाख यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 8 रुपया, तो हमारा 8 लाख रुपया का सेल हमको नेक्स्ट ईयर में चाहिए, ओके। प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 25% प्रॉफिट, मतलब 8 लाख का 25%, भाई हमको 8 लाख का 25% मतलब 2 लाख रुपया हमको प्रॉफिट चाहिए, हम बेचेंगे कितना रुपया का, 8 लाख का प्रॉफिट कमाएंगे, 8 लाख रुपया के बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे। अगर 2 लाख कमाएंगे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना रहेगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट, हो गया 8 लाख रुपया का हम चीज बेचे उसमें से 2 लाख रुपया हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो भी चीज हम लोग बेच रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 लाख, क्लियर। 6 लाख में अभी आप देखो, एज इट इज ए ट्रेडिंग कंसर्न कॉस्ट ऑफ सेल्स आर रेज्यूम टू बी द परचेस, ओके ठीक है। देन अभी आप आ जाओ वो टेबल, मतलब वो स्टेटमेंट पे आ जाओ, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यू सी करंट एसेट्स कितना, डेटर्स है 8 हफ्ता, 8 हफ्ता मतलब 8 हफ्ता में हमको डेटर से कलेक्शन मिल जाएगा, मतलब 6 लाख, 6 लाख अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो 8 बाय 52, 8 बाय 52 क्यों हुआ, 52 हफ्ते होते हैं एक इस साल में, 52 वीक्स, तो 8 वीक, तो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम टू 92,308, हो गया। उसके बाद स्टॉक आप आ जाओ, स्टॉक भी उसी के हिसाब से 12 वीक होता है होल्डिंग के लिए, तो यहाँ पे हमारा 12 बाय 52 इंटू 6 लाख, हो गया। तो ये हो गया हमारा करंट एसेट्स। उसके बाद हमारा करंट लाइबिलिटी देखो, क्रेडिटर के लिए पेमेंट्स के लिए कितना, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा वो लोग रुकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 बाय 52, मतलब 4 वीक्स बाय 52 वीक्स इंटू 6 लाख, 6 लाख क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्रेडिटर का मतलब कितना अभी निकल गया, 46,154, हो गया। तो नेट वर्किंग कैपिटल हमारा कितना रह गया, 1,84,616, क्लियर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% हम लोग रिजर्व रखेंगे कंटिजेंसी के लिए, इसका नेटवर्किंग कैपिटल का, तो नेटवर्किंग कैपिटल का 10% कितना निकलेगा, उसका 1,84,616 का 10% कितना निकलेगा, 18,462, क्लियर। अगर इसको आप ऐड कर दोगे तो वर्किंग कैपिटल आपका कितना निकलेगा, 2,03,078, तो 2,03,078 रुपया हमको चाहिए फॉर वर्किंग कैपिटल, हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, क्लियर। तो ये है हमारा सॉल्यूशन, ये मेथड में से प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो ये फॉर दिस वी कंप्लीटेड ऑल द मेथड्स व्हिच आर मोस्टली यूज्ड फॉर एसर्टेनिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, एंड इन दिस एक्चुअली वी फिनिश्ड आवर सेशन फॉर टुडे, एंड इफ द लर्नर्स हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज दे कैन आस्क। ओवर टू श्रीमय सर। श्रीमय सर, हाँ यस,
Yes, sir. Sir, I think in the chat box, I am seeing nobody has asked anything. So, I request learners, okay, if you have any question, then unmute your mic and you can ask directly to our resource. Any type of query regarding working capital, any terms you unable to understand, you can freely ask. Whatever you want to ask, and all your queries will be answered by us. Okay, within 2 minutes, if any question doesn't come, then yes, sir. I assume that there is no question, and we'll wind yes, up. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Sure. Sir, nobody is asking question. One message I got, that nice session, sir. Only one message I got. Sir, you can conclude, sir. Srimay sir, hello, hello, hello. Sir, hello. हाँ, बिक्रम प्रभा मैडम, श्रीमान सर कुआडे पढ़े लेगी? हाँ ना ना आती होगी. Yes sir, sir you can conclude sir. Okay, I'm concluding. Okay. Thank you so much, Kiro sir. Thank you learners. Thank you, Bikram Prabha madam. So I would like to say all those learners, it was really a wonderful session where Mr. Maharana has made all those concepts very black and white. So it is again an amazing session. We look forward to some other sessions in the future. So thanking all of you, I say this is end for the today, and you can withdraw from the platform one by one. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you.